भैया पेज नंबर 18 में ये तीसरा लाइन भैया पेज नंबर फिर बताइए पेज नंबर 18 में तीसरा लाइन हाँ एक मिनट हम ऊपर कल किसमें थे क्रम से चलेंगे नहीं तो बहुत आगे पीछे आ गए 15 जब 18 आएगा तब कर लेंगे है ना कल 15 में थे कि 14 में कल किसमें थे दासर तो हो गया था 15 में भैया पेज नंबर 15 में नीचे से लास्ट वाला नीचे का संवेदनाओं के आस्वादन की अपेक्षा में स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है तो इसमें आस्वादन में रुचि मूलक मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक तीनों नहीं आ रहे कि वे रुचि मूलक आ रहे हैं और स्वागत भाव में मूल्य मूलक आ रहे हैं ऐसा है कि अलग है और ये स्वागत भाव भी मनी में हो रहा है ना मन में और आस्वादन भी मन में हो रहा है मन में आस्वादन तीन विधि से होता है दीदी और बच्चा भारी बैठेंगे क्या इन्हें तो वो अभी शुरू करना तो 10 मिनट में फिर रेस्टलेस हो जाएगा उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है ना रूम में अब देखिए बाहर जाते ही शांत हो गया मन में आस्वादन अपेक्षा तीन विधि से अथवा तीन उद्देश्यों से होता है आस्वादन की अपेक्षा एक रुचि मूलक का है रुचि मूलक का मतलब है कि चार विषय पांच संवेदना से संबंधित जो भी व्यापार है रुचि मूलक आस्वादन में क्या क्या आ जाएगा एक तो विषयों को भोग करना जैसे भोजन करना ठंडी से बचना गर्मी से बचना ये सारी जो आस्वादन है ये विषय भोग से संबंधित है दूसरा शरीर के लिए अनुकूलता मतलब उसी में जैसे पंखा लगा दिया गर्मी हो गया ये सारा रुचि मूलक में विषय भोग वाले इसमें आएगा इसके बाद हम उत्पादन करते हैं वो भी रुचि मूलक का आस्वादन ही है ठीक है ना भौतिक वस्तुओं के साथ जो भी हम करते हैं ये सारा रुचि मूलक में है तो एक चीज हो गया शरीर के साथ आदान प्रदान दूसरा हो गया गाड़ी से चले गए इधर से उधर स्कूटर से बोर होता है मोटरसाइकिल चलाते हैं मोटरसाइकिल बोर हो गया तो कार रख लिया कार बोर हो गया तो फोर व्हील ड्राइव रख ली है ना बढ़िया कंफर्टेबल सीट रख लिया फोन का सुख स्मार्टफोन का सुख आईफोन का सुख है ना कोई फोन का छोटा फोन का सुख ये सब साधन से संबंधित तीसरा उत्पादन से संबंधित सुख नींबू लगाया ट्रांसफॉर्मर बनाया कैमरा मैन्युफैक्चरिंग किया ये सारा रुचि मूलक आस्वादन ठीक है मूल्य मूलक आस्वादन का मतलब हमारे में मनुष्य के साथ जो संबंध है उसके आधार पर आस्वादन होना या वो हमारे उसका लक्ष्य होना ये गुड़ कर रहा है अच्छा अब ठीक हो गया नहीं वॉल्यूम ज्यादा है हाँ अब ठीक हो गया
हाँ, इसके ऊपर एक वो था कवर, वो गोल हो गया कहीं दो दिन पहले, एक वो था ना फोम, वो फोम है क्या कहीं? वो दूसरे माइक में फोम है तो उसमें डाल, इसमें डाल सकते हैं, उसमें भी नहीं है। मिला ठीक हो गया, उसी से था वो साउंड का जो वो है ना फिल्टर। एक्चुअली मैं भी वो माइक उपयोग करके यहीं छोड़ देता ना, तो उसको उपयोग करके ऊपर रख देना चाहिए बच्चों के, इससे बाहर बच्चे आते जाते रहता है ना, दरवाजा भी खुला ही रहता है, तो ये सब मिलने से उनको ऐसे खोलना पसंद है, सारी चीजों को खोल के छोड़ देते। ठीक हो गया भैया, दिक्कत यही था। तो इस वाक्य में जो लिखा है, संवेदनाओं के आस्वादन की अपेक्षा में, मतलब मन जो है शरीर मूलक जब रहता है तो उसके उद्देश्यों के लिए फिर वृत्ति मन के उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए, तथा चित्त वृत्ति एवं मन के उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए कार्यरत रहता है, इसी का नाम है शरीर मूलक विधि से जीना। ठीक, मूल्य मूलक में क्या होगा, स्थापित मूल्य जैसे विश्वास सम्मान स्नेह, इनकी आस्वादन अपेक्षा रहती है, ये रुचि मूलक से प्रधानता ले लेता है। तीसरा लक्ष्य मूलक, लक्ष्य मूलक में दो लक्ष्य हैं, एक जीवन लक्ष्य दूसरा मानव लक्ष्य, इसके अर्थ में जब हम आस्वादन करते हैं इसका नाम है लक्ष्य मूलक। ठीक, तो जीवन लक्ष्य के अर्थ में जो आस्वादन करते हैं उसकी का नाम है स्वागत भाव। स्वागत भाव मतलब क्या है, जीवन अपने से संबंधित वस्तुओं या जानकारियों को वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। ठीक है, जैसे हम ही देखते हैं कभी हमारा मन पढ़ाई में लगता है, कभी हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, कभी खाना याद आ जाता है, तो क्या हो रहा है इसमें, ओ अच्छा उसमें क्या हो रहा है, वो शिफ्टिंग हो रहा है एक से दूसरे में। तो लक्ष्य मूलक आस्वादन से ये रुचि मूलक आस्वादन, कभी रुचि मूलक से लक्ष्य मूलक, रुचि मूलक में ही कभी उत्पादन में चले गया, कभी गाड़ी में चले गया, कभी भोजन में चले गया, ये पूरी रेंज है। तो यहां पर लिखा है, संवेदनाओं के आस्वादन की अपेक्षा में स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है। जागृति की ओर गति के लिए, क्योंकि जीवन जागृत होना है ना, तो लक्ष्य जो है जीवन जागृति यदि है, तो जीवन जागृति से संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, उसको सेवन करना। इसके विपरीत भोगों में प्रवृत्ति है जो अजागृति व ह्रास का लक्षण। तो कुल मिलाकर जिसको इंग्लिश में शेयरिंग पॉइंट कहेंगे, जो भेद है वो मन से ही प्रारंभ होता है। ठीक है ना, अच्छा आज चार से पांच कुछ लोगों का कुछ प्रश्नोत्तरी भी करना था, एक्चुअली वो दीदी बोली शायद उनको कल जाना पड़ेगा वापस पेंड्रा, तो उनके पास भी कुछ प्रश्न थे उसी प्रकार के लगभग आपने भी पूछा है ना। तो मोटा अभी हम पूरी विधि से तो हम जनवरी में करेंगे, यदि आप लोग भी हैं, मैं तो आऊंगा ही, आप में से एक दो आदमी भी हैं तो जनवरी का सत्र होगा, मान लेते सभी लोग रहेंगे, तो जनवरी में पांच छह दिन का पूरी अध्ययन विधि पर जो भी अभी तक शोध कर पाए हम लोग उसको मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें अध्ययन का जो तात्विक पक्ष है कि अध्ययन को कैसे करते हैं और सामान्य रूप से क्या गलतियां होती है हमारे से, इसको लेकर विस्तृत चर्चा होगी, लगभग 20-22 घंटे का चर्चा है, पांच छह दिन में जनवरी में करेंगे, डेट भैया लोगों को पता है, मैंने मेरे पास भी है। फिर वो तो हो गया थियोरी, दूसरा हमारी जो भी जीवन की स्थिति है, आपका अलग है, आपका अलग, आपका अलग, इनका अलग, आपका अलग है, पारिवारिक परिस्थितियां भिन्न है, आर्थिक परिस्थितियां भिन्न, इसको लेकर क्या करें, प्रश्न होना स्वाभाविक है उसको, हाँ तो उसको लेकर आज चार से पांच
छोटा सा बैठ लेंगे, एक घंटा आज बैठ लेंगे, तो दीदी के जो चीजें हैं उसको पहले ले लेंगे, है ना। पहले मैं अपने ओर से सामान्य रूप से कुछ रख लूंगा, कुछ खास नहीं है। देखिए, जो भी रहस्य मुक्ति है वो दर्शन में हो गया, मैं जो भी बोलूंगा उसमें कोई विशेष रहस्य मुक्ति हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चीजें इधर से उधर जो भी स्ट्रक्चर रूप में आता है, या एक अनुभव बोलिए, इसमें रहते रहते मैं जब इसमें जुड़ा था बाल काले थे और विवाह नहीं हुआ था, अब बाल सफेद हुए, तो कुछ तो अनुभव हुआ है ना, उसी का परिणाम है ये जो सफेद होना है। वो क्या अनुभव, लोक अनुभव तो हुआ ही है, कम से कम इस पर चलने से क्या होता है। इतने लोगों को कम से कम, मैं 2005 से देख रहा हूं तो 17 वर्ष हो गए, मेरे पहले से भी लोग 10-15 वर्षों से इस पर चले, ठीक है। तो दर्शन के तात्विक पक्ष का अध्ययन करने का तो अवसर मिला ही, साथ में अभी तक जितने भी इसके प्रयोग हुए उसको कभी निकट कभी दूर से देखने का प्रयत्न मिला है, उसमें मेरा जो आकलन है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, है ना। जैसे अभी रे संस्थान पहली बार में 2005 में आया, तो सामने वाली बिल्डिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग बोला जाता था, वहां नेचुरोपैथी का सेंटर था, वो इतना पतला रास्ता था कुमारी से लेकर इधर आने का, पूरा खड्डा, एक घंटा लगता था कुमारी से लेकर इधर आने में। 10-1 गाय थी उस समय 2005 में, ये हॉल नहीं बना था जिसमें हम बैठे हैं, बाद में बना, वो नीचे वाला था, अच्छा ये यही वाला, हाँ ये नीचे वाला बना था, वो वाला नहीं बना था जांजनी भैया के घर के सामने, इसका ऊपर वाला भी बाद में ही बना, 8-9-10 में बना ये वाला। और भाटी मतलब मैं जहां रुका हूँ गेस्ट हाउस अभी, वो भी नहीं बना था। तो ठीक है, तो उसको दोपहर को 4 से 5 आज रख लेंगे। उसको रखने का मूल उद्देश्य 2-3 है, एक तो आगे का रास्ता के बारे में थोड़ा सा स्पष्टता आप में बने ताकि आप उस दिशा में स्वयं सोच पाए, एक दूसरा उस पर चलने का हिम्मत विश्वास या प्रेरणा बने, 2 और तीसरा कुछ बड़ी ऐसी गलतियां ना करें कि वो मुंह के बल आप गिर जाएंगे, 3 है ना। हाँ हाथ से ना, आपके यहां हूं ना आज, मैं लिख के रखा हूं ना, आप भूल गए, मैं प्रतिदिन क्या करना है मैं खुद ही भूल लेता हूं, है ना। तो हम लोग उस हॉल में चले जाएंगे, हम लोग वहां कर लेंगे अपनी चर्चा, क्या है अनौपचारिक चर्चा, हम लोग वहां चले जाएंगे। नहीं नहीं क्यों ड्रॉप क्यों करेंगे, आप लोग अपना जारी रखिए, इनसे जो बात करनी है, मैं घंटे भर से ज्यादा बात करूंगा भी नहीं, 5 का 5:30 होने, अनलेस किसी के पास कुछ भ्रम जिज्ञासा है इतना बड़ा है कि कुछ उसका उत्तर देना है, 1 घंटे में बात पूरी हो जाए। नहीं वो कुछ काम मुझे 2 से 3 आपके यहाँ बैठ, वो कुछ करके भेजना है, कुछ पेंडिंग है, वो पीछे मैंने वर्कआउट किया आपके यहाँ 5:30-6 बजे हाजिरी करनी है, तो वहां से मैंने पीछे वर्कआउट किया है उस। नहीं नहीं ठीक है ना, जैसे भी हो हम कहीं भी बैठ सकते हैं, ठीक है। 15 तो ये जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। भैया लक्ष्य मूलक में जीवन लक्ष्य रिकॉर्डिंग अधिक हो जा रहा है, सुनने वाला आदमी कम पड़ जा रहा है, अभी इनके लिए मैं वही सोचता हूँ। यूट्यूब पर इतना सारा जो डेटा दुनिया का, लोगों के जन्मदिन का, कहीं घूमने गया किसी दिन तो डिलीट, इतना एनर्जी लेता है वो। अभी तो गूगल को सर्वर फार्म को पानी के नीचे रखना पड़ता है, समुद्र के नीचे कैलिफोर्निया कोस्ट में उन्होंने सर्वर फार्म बनाया, क्योंकि पानी के नीचे है कंप्यूटर सर्वर, ताकि कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम हो। इतना गर्म होता है कि बाहर से एयर कंडीशनिंग का खर्चा अधिक लग रहा है, पानी के नीचे है। आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स है, पानी मतलब वाटरप्रूफ उन्होंने सर्वर फार्म बनाई। सर्वर फार्म मतलब ऐसे कंप्यूटर के बड़े बड़े डब्बे, बहुत सारे, आधे एकड़ में, पौन एकड़ में, ऐसा 1/4 एकड़ में पूरा कंप्यूटर ही रखा है, उसी में तो स्टोर हो रहा है हमारा। तो मेरा तो मन है कि मतलब
मेरी कल्पना है, अभी आशा भी नहीं बनी है, कि साल दो साल में उनको बोलना चाहिए कि तीन महीने के ऊपर नहीं रखेंगे, डिलीट कर देंगे, तीन महीने से ऊपर रखना उसका पैसा दो, अपने आप डिलीट हो जाएगा। फालतू का रिकॉर्डिंग पड़ा है उसमें, इतने सारे को आइसक्रीम खा रहा है, बच्चे को आइसक्रीम खिला, सब यूट्यूब पे डाल दें, कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर इस पर्टिकुलर पुस्तक में भी हम देखेंगे तो मनुष्य के ज्ञान तथा आचरण का सर्वोच्च जो डेवलपमेंट हो सकता है उसके बारे में व्याख्या है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। पूरा जो अध्ययन का क्रम है ये एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी जुड़ा हुआ है, जिसको हम जनवरी में और थोड़ा खोलने का प्रयत्न करेंगे। वो सब पुस्तकों में आ ही चुका है, मैं अलग से कुछ बोलने वाला हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये उसका अल्टीमेट है, जड़ के आस्वादन अपेक्षा से मुक्त होकर, मतलब एक मानव का जो आचरण है कितना सुपरफाइन हो सकता है, कितना रिफाइन हो सकता है, अधिकाधिक कितना हो सकता है, ठीक है, उसकी व्याख्या मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में दिया है। उसका समुचित ज्ञान इधर दिया है, वो शास्त्र का पुस्तक है, ये समझ में आता है, ये ज्ञान पक्ष है। इस ज्ञान के अनुरूप जब हम जिएंगे 122 आचरण के साथ, वो उधर है, ठीक है ना। ये हमको ध्यान में रखना है, इस ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट ज्ञान तथा अल्टीमेट आचरण को जोड़ता है, जड़ के आस्वादन अपेक्षा से मुक्ति तथा प्रेममयता में अनुभूत होना ही सत्तामयता में अनुभूति है, लाइन इधर। तो ये वाली जो लाइन है ये भोगों में और ये सब, मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ऐसे कुछ लाइंस को हम अभी लेके, अब हम भोजन कर रहे हैं उसको लेके हम परेशान होना शुरू कर देते हैं, मुझ में जड़ के आस्वादन की अपेक्षा है, मैं इसमें, है ना, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए, वो अभी बैठेगा नहीं। अब हमारी अभी जो स्थिति है उससे पहले कुछ सुधार होगा, फिर सुधार होगा, कोई एक स्थिति बनेगी उसके बाद एक सुधार होगा, फिर अंतिम में ये प्रश्न है, उस अंतिम मुद्दे को यहां पर रखा है। इसको हम उद्देश्य के रूप में रखें, एक आशय के रूप में रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी यदि आप आज के दिन से प्रयत्न करोगे कि मैं जड़ के आस्वादन की अपेक्षा से मुक्त हो जाऊं, हो सकता है आप सफल हो जाएं, है ना। परंतु आस्वादन अपेक्षा मुक्ति होना अभी हम लोग जिस स्थिति में है वो कोई उद्देश्य नहीं है। तो मात्र आस्वादन से मुक्त होना, मुक्ति और चीजों की है, ठीक है ना। ये एक मोटा एक इस लाइन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट, इसमें वो स्वागत भाव दिया, तो मूल मूलक लक्ष्य मूलक आस्वादन का स्वागत भाव, लक्ष्य मूलक आस्वादन स्वागत भाव, समझने के लिए जीवन अपने स्वत्व को पाने के लिए जो जानकारियां हैं, जो सूचनाएं हैं, जो संकेत है, इसको ग्रहण कर पाना। इसको अभ्यास दर्शन आप पढ़े हैं, उसमें व्यंजनीयता लिखा है ना, व्यंजन, व्यंजित करने का क्षमता, लेने की क्षमता। या इसमें जैसे लक्ष्य मूलक में जीवन लक्ष्य है स्वागत भाव, तो ये स्वागत भाव अनुभव से पहले आएगा कि अनुभव होने के पहले, पहले पहले आएगा पहले, और मानव लक्ष्य वो भी उसमें समाई है, अलग नहीं है, उसके पहले ही अनुभव के। हाँ, उसके पहले अभी हम बैठे हैं, वो ये वही भाव ऐसा मानना पड़ेगा। आप जैसे इधर बैठे हैं पैसा कमाने के लिए तो बैठे नहीं, दूसरा हो सकता है मुझे गलत साबित करने के लिए बैठे हैं, ऐसा है क्या? यहां जो भी आता है उसको मैं गलत बोलूंगा, मतलब उटपटांग लक्ष्य, वो भी नहीं है। तो यदि आपका अपने जिज्ञासा के प्रति सिंसेरिटी है, ईमानदारी है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको कोई गुणात्मक परिवर्तन हो, आपके जीवन का कोई सार्थकता सिद्ध हो, ये दो या तीन लक्ष्यों में से किसी एक से बैठे हैं, वही स्वागत भाव है। जैसे वो स्वागत भाव हटता आप यहां से चले जाते हैं। ये पहले दिन से शुरू हो जाता है, जिस दिन मैं वांग्मय को समझना शुरू किया, वांग्मय के पहले से भी आप लोग हो सकता है। अच्छा, पहले से भी? हाँ, आप पठ उपनिषद पढ़ रहे हैं तो वो भी स्वागत भाव ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बुक तो उल्टा भी मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये बुक जिसके पास है उसी के पास स्वागत भाव है, और ये कोई आवश्यक भी नहीं है कि बुक खरीद के रख ले उससे उसमें स्वागत भाव बन गई।
जीवन में होना है ना, जैसे नागराज जी ने साधना किया, भाई बिना स्वागत भाव के कैसे करते वो, ठीक है, ये समझ में आता है। तो मानव में स्वागत भाव होने से वो अपने स्पष्टता अथवा समाधान, जागृति, गुणात्मक परिवर्तन, मानवीयता, इससे संबंधित संकेतों को ग्रहण करके उस पर सोचने के लिए प्रयत्न करता ही है, आज भी कर ही रहा है। हम ये नहीं मान सकते कि हम इस रूम में बैठे हैं, बाबा जी का फोटो हमने लगा दिया, मानव अनुभव दर्शन का फर्स्ट एडिशन मेरे पास है तो मुझ में स्वागत भाव है, बाकी लोगों में नहीं, ऐसा नहीं चलता। है ना, जागृति क्रम एक लंबी प्रक्रिया है, पूरे धरती पर है, केवल हमारे साथ जागृति क्रम होना ऐसा नहीं है ना। ये पंखे को कम कर सकते हैं क्या, बहुत हल्ला कर रहा है ये वाला, थोड़ा एक पॉइंट से कम कर देना। अच्छा इधर ही है तो मैं ही कर ले, मुझे लगा उधर है। वो क्या हो गया, सीलिंग ऊपर है, वो उसका डंडी छोटा है, उसको और एक फुट नीचे चाहिए, तब साउंड नहीं करेगा और एयर भी आएगा। ये 10 फुट की सीलिंग के हिसाब से बना है, ये लगभग 14 फुट होगा सीलिंग, बराबर ना। ये तो सिर्फ, ये तो देख के बता देंगे माप, इनका काम ही ये है। तो और एक फुट नीचे होना चाहिए, होने से साउंड नहीं आएगा और एयर भी आएगा ना, ये ऊपर ही घूम जा रहा है ना, वो नीचे आते थे है? वो चालू करना है, ठीक है। स्वागत भाव ये अनुभव के पहले है, स्वागत भाव है तभी हम अध्ययन के लिए अग्रसर हैं या समझने के लिए अग्रसर हैं, स्वागत भाव नहीं है तो नहीं है, ठीक है। हाँ 15 के बाद 16, हाँ 15, हाँ लक्षण और लक्ष्य के योग फल में अनुमान का उदय होता है, विज्ञान एवं विवेक ज्ञान ही प्रमाण है जो अनुभव समाधान व्यवहार और प्रगुण। लक्षण और लक्ष्य, हमारे में लक्ष्य है और प्रकृति में वास्तविकता का लक्षण, हमारे में समझने का लक्ष्य है और बाहर प्रकृति में जो भी दिखता है ये वास्तविकता का लक्षण है। जैसे लाक्षणिकता क्या, एक पत्थर है, एक पत्थर को आज हम देखते हैं, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, फिर प्रतिदिन देखते हैं, ये क्या लक्षण हुआ, उसके अस्तित्व धर्म का लक्षण हुआ, एक तो होना, तो लाक्षणिकता। वैसे एक पेड़ है, आज छोटा है कल बड़ा हो गया, उसे और बड़ा हो गया, तो पुष्टि धर्मा का लाक्षणिकता है। एक मुर्गी को पकड़ने जाते हैं वो भागता है, जीने की आशा का लाक्षणिकता। बच्चा रोता है उसकी बात सुननी पड़ती है, सुख धर्मिता का लाक्षणिकता। तो हमारे में लक्ष्य है, लाक्षणिकता अस्तित्व में है। तो कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं कि क्योंकि अस्तित्व का डिजाइन ऐसे भी हो सकता था कि मानव समझना चाहता है और समझने योग्य वस्तु है ही नहीं। हम कोई वस्तु समझना चाहते हैं, समझने योग्य वस्तु है ही नहीं, ये एक संभावना थी। दूसरी संभावना थी कि हम समझना चाहते हैं, समझने योग्य वस्तु है मगर लेकिन आप में समझने की ताकत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो मानव का अस्तित्व में होना एक स्वाभाविक घटना है और उसकी आवश्यकताएं अस्तित्व में पूरी हो सकती है, ये एक सैद्धांतिक तत्व है, ठीक है ना। क्योंकि लोगों ने इसके विपरीत भी बहुत सारा सोचा ही है, आप कभी समझ नहीं सकते, या हमको जो समझना है वो अस्तित्व में है ही नहीं, या अस्तित्व में उल्टा, अस्तित्व में जितनी है इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक आदमी समझ सकता बाकी लोग चांस ही नहीं है, उनको फॉलो ही करना पड़ेगा, इतने सारे ऑप्शन है संभावना के रूप में, इसीलिए लाइन लिखा है। लक्षण और लक्ष्य के योग फल में अनुमान का उदय होता है, जीने की आशा है, मतलब ये जीना चाहता है, इसकी अनुमान होता है, बच्चा कुछ चाहता है, अनुमान होता है, तो हमारे अंदर अनुमान क्षमता कल्पनावश होता है, ठीक है। आगे 16 उसी में 3 लाइन ऊपर एक दिया था भैया, स्वागत भाव में अनुभव के लिए आस्वादन भाव में भोगों के लिए अनुमान अंकुर है। हाँ तो ये
जो अपन अभी नीचे वाले पर लाइन में बताया था उसी का है ना, लक्ष्यमूलक स्वागत का उसके ऊपर का लाइन देखिए, पान संवेदन क्रियाओं द्वारा आस्वादन एवं स्वागत क्रिया की अभिव्यक्ति होता है, स्वागत भाव पक्ष का बोध पूर्वक अनुभव भी होता है। अनुमान का अंकुरित होना है ना, स्प्राउट होना। अनुभवाकांक्षी मतलब उसके समझने के लिए, यहाँ अनुभव का मतलब समझना। जैसे ये वो भाई सामान्य सी चीज है ना, एक आदमी जियोलॉजी को पढ़ता है, ऊपर धरती को देखता है, उसके कॉम्पोजिशन को सोचता है, उसमें कितना सल्फर होगा कितना नाइट्रोजन होगा इसको सोचता है। दूसरा आदमी उसी धरती को देखता है और उसको लगता है कि इसको आज मैं खरीदूं तो 4 साल बाद कैसे बेच पाऊं, दोनों की दृष्टि में अंतर हो गया कि नहीं? ठीक है। तीसरा आदमी उसी को देखता है, बोलता है मैं उसको हड़प लूंगा, खरीदूंगा भी नहीं है, गेट डाल दूंगा और एक घर बना लूंगा, उसको हड़प लूंगा। तो पहले जो लास्ट वाला जो मैंने बताया वो आपराधिक या परधन या पराधीनता वाला मानसिकता है, जो दूसरा वाला है वो भोग वाला है, ठीक, जो तीसरा वाला है वो समझने की दृष्टि से है, ठीक है, उसके मूल्य को समझना चाहता है। ठीक है, इसीलिए उसके पहले मैंने कहा था कि ये वाली जो चर्चा है ये सब क्या है, फाइनली ये कह रहे हैं कि मन जो है शरीर के साथ तदाकार होना और मन जो है पूर्णतया आत्मा के अनुरूप हो जाना, ये दो स्थितियां हैं, बीच में पूरी एक क्रम है, एक पूरा डेवलपमेंट का एक पूरा एक स्टेज है। ठीक, तो ये अंतिम ज्ञान है, अनुभव ज्ञान का तात्पर्य है अंतिम ज्ञान, इससे अधिक कुछ होता नहीं, इससे बड़ा आदमी हो नहीं पाता है। सोलह में लिखा है आत्मा कारण अर्थात मध्यस्थ क्रिया है, अस्तित्व एवं आनंद ही उसकी आध्यांत लक्षण है। तो अनुभव में ही जाके स्वयं के होने का अंतिम स्वीकृति तथा व्यापक वस्तु या प्रकृति का होने का अंतिम स्वीकृति, अस्तित्व के होने का अंतिम स्वीकृति हो पाता है। आद्यांत का मतलब आदि से अंत तक का लक्षण है तथा आनंद। तो ये जो हम आस्वादन करते हैं इसमें सुख भासता है ना, आस्वादन तुलन जो भी हम करते हैं शांति भासता है, संतोष भासता है, आनंद जैसा भासता है, लेकिन सुख शांति संतोष तो हर व्यक्ति भासपूर्वक देख ही पाता है, अच्छा लगना, तो सुख जो है ये एक प्रकार का अच्छा लगना है, शांति दूसरे प्रकार का अच्छा लगना है, संतोष तीसरे प्रकार का अच्छा लगना, या तीसरा स्तर उसका। ठीक है, ये 16 भैया इसमें लास्ट में दिया 16 में, मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार, अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य, ऐसा दिया है। तो इसमें कम विकसित मतलब मानव के बोल रहे हैं? नहीं, कि जड़ प्रकृति को, जड़ भालू कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा। समान मतलब मानव मानव, और अधिक मतलब जागृत, अधिक श्रेष्ठ का, और श्रेष्ठ को ब्रैकेट में डाल दीजिए, ब्रैकेट मिस हो गया उधर, अधिक अंडर ब्रैकेट श्रेष्ठ का सानिध्य और व्यापकता में अनुभव करता, करना चाहता है करने, ये मनुष्य के जीने का पूरा रेंज दिया है। ठीक है ना, अब मानव के साथ व्यवहार करेगा, व्यवहार पूर्वक उत्पादन भी करेगा, उसी का नाम व्यवसाय है। मानव का जो व्यवसाय आयाम है, आप पढ़े होंगे अभी तक मानव व्यवहार दर्शन में आया होगा साथी सहयोगी संबंध, हम किसी के साथ कार्य करते हैं तो वो उत्पादन ही कहलाएगा। दो लोग मिलके मान लीजिए मैं तेल निकालने का एक यूनिट लगाता हूँ, है ना, आप उसमें मदद करने के लिए आ जाते हैं और आपको मैंने उसके बदले में कोई मूल्य की अपेक्षा रहती है,
तो उसको आपको देंगे, ठीक, वो व्यवसाय सम्मान कहलाता है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है, ये ठीक हो गया। तो ये यदि देखेंगे तो व्यवसाय मानव अपने से कम विकसित के साथ व्यवसाय, मानव के साथ अकेले तो कोई व्यवसाय होता नहीं, समान के साथ व्यवहार, अधिक अंडर ब्रैकेट श्रेष्ठ का सानिध्य पाना चाहता है। तो हमसे जो अच्छे लोग हैं हम उनके साथ रहने के लिए इच्छुक रहते हैं, होना चाहिए आइडियली, अब होता है नहीं होता है एक अलग बात है, बट जो जिसको श्रेष्ठ मानता है उसके सानिध्य में होना चाहता है। जैसे स्कूल में रहते हैं तो जो क्लास का टॉपर होता है तो जो बाकी लोग हैं एक दो उसके साथ बैठ के लंच करने का, हम लोग स्कूल में रहते थे तो एक लड़का होता था बड़ा मैंने आइडियल देव मानव जैसे लगता था वो, है ना, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में, उसका नाम भी मुझे अभी तक याद है। वो बाद में दसवीं तक अमेरिका चले गया, फिर बाद में चला बहुत ही बिगड़ गया जाके। हाँ, SAT एक होता है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, दसवीं के बाद नहीं ट्वेल्थ के बाद देते हैं, फिर सीधा कॉलेज अंडर ग्रेजुएट फिर यूनाइटेड स्टेट्स में कर सकते हैं, नहीं तो बैचलर्स के बाद ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है GRE, उसको देख के फिर लोग MS करने जाते हैं। तो इनके गौरव किट्टूर उसका नाम है। तो उसका शर्ट पैंट एकदम बढ़िया आयर्न्ड, हैंड राइटिंग एकदम प्रिंट, टिफिन खाया तो एक दाना उसमें नहीं छोड़ता था, उसका व्यवहार भी शिष्ट, किसी से झगड़ा नहीं, स्पोर्ट्स भी खेलता था, एकदम देव मानव, है ना। तो जो सेकंड रैंक फोर्थ रैंकर वाले हैं वो उनके साथ रहते थे। फिर सातवीं आठवीं में मेरा मन बना कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मेरे कपड़े भी आयन करके मैं नहीं आता, सोचा इसके साथ रहूंगा तो कुछ सुधर जाऊंगा। तो दो तीन साल मैंने उनके साथ लंच किया, अपने आप ही होता है ना मन कि इसके साथ रहूं। फिर 11th 12th में जब एडमिशन लिया मैंने उसी स्कूल में, जूनियर कॉलेज था, मुझे लगा कि मेरा पढ़ाई लगा क्या, पता ही चल गया था पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और पढ़ना तो पड़ेगा, पिताजी बोल दिए थे पढ़ोगे नहीं तो भूखे रह जाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, ये हमको पहले से हमारे घर में डाला जाता है, ठीक। तो 11th 12th में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मैं हम जिस स्कूल में पढ़े थे उसमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी आते थे, बजाज टेम्पो का बेटा, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन, कमिंस ऑयल इंजिन का बेटा, किर्लोस्कर मेरा एक साल सीनियर, बजाज टेम्पो एक साल जूनियर, फिनोलेक्स केबल्स PP छाबड़िया का बेटा 3 साल जूनियर, है ना। और हम लोग साइकिल से स्कूल जाते थे और कुछ बच्चे मर्सिडीज से भी आते थे, दोनों था स्कूल में। तो बड़ा कैंपस था, 150-200 एकड़ का कैंपस रहा होगा। तो 11th 12th में मुझे लगा कि इन लोगों के चक्कर में पढ़ूंगा, ये तो एक तो अच्छा पढ़ भी रहे हैं मेरे से और पैसा भी ज्यादा है, दोनों है, मेरा क्या होगा। तो मैंने दो लड़कों को चुना साथ में रखने के लिए, दोनों ही सामान्य, उनके माता पिता सामान्य जॉब में थे, मतलब मेरे पिताजी से और अति सामान्य, मेरे पिताजी और अच्छे पोस्ट में थे, तो मुझे लगा इनका डेस्परेशन मेरे से अधिक है तो इनके साथ रहा जाए। तो उनके साथ में 11th और 12th बीता, तो मेरा घर में पढ़ाई का मन नहीं रखता था तो मैं उसके घर में जाके पढ़ता था, इंजीनियरिंग में मन ही नहीं लगता था पढ़ने का, वो पढ़ रहा उसको देख के मैं भी पढ़ता था। उनमें से एक लंदन में सेटल हो गया, दूसरा इधर IBM में है। अभी हम तीनों ने लंच किया, डिनर किया एक महीने पहले, जो IBM में काम करता उसकी 1.25 करोड़ सैलरी हो गई है साल की। हम तीनों खाना खा के चल रहे थे तो एक बोलता है जिंदगी का आधा हो गया, अभी 15 साल बचा है, उसके बाद रिटायर्ड लाइफ पता नहीं कैसे रहेगा। तो दोनों चल रहे थे, थोड़ी देर के बाद मैंने ऐसे किया, बोला मुझे पूछो, मुझे पता है मुझे रिटायर होके 13 साल हो गए तो अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य है, बट यहां पर मतलब ये टेंडेंसी है, ये भी ध्यान जाता है बच्चों का, नहीं तो नहीं है। यहां पर अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य का मतलब जागृति क्रम में यह पहचानना थोड़ा कठिन होता है, हालांकि लोग पहचानते भी हैं, बट कम से कम एक व्यक्ति को बोध है या उसका कोई प्रमाण मिलता है तो बाकी लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, और व्यापकता में अनुभव करता है, करना चाहता है या करने के लिए बाध्य है। श्रेष्ठ निष्ठा के साथ कैसे व्यवहार करेगा,
श्रेष्ठ के साथ कैसा व्यवहार, वो परिस्थिति के अनुसार है। मतलब उसको क्या व्यवहार करेगा बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? व्यवहार ही करेगा, श्रेष्ठ भी नेष्ठ के साथ व्यवहार ही करेगा। तो समान के मतलब साथ अधिक विकसित श्रेष्ठ नेष्ठ की जगह अधिक विकसित अधिक जागृत कम जागृत के साथ कैसे व्यवहार करेगा, वो व्यवहार ही करेगा, उत्पादन नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा। तो उनकी आवश्यकता, यदि उनमें समझने की आवश्यकता है ना, तो उसके अनुरूप वस्तु या कोई दिशा देगा, उपकार करेगा। उपकार करना अंतिम स्थिति है। एक व्यक्ति दिव्य चेतना अनुभव प्रमाण वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उपकार। उपकार का मतलब क्या है? सामने वाले के जीवन जागृति के लिए हम ऐसा कोई इनपुट देते हैं जिससे उसकी जीवन जागृति में बड़ा चेंज आ जाए और वो उसको पता है कि वो जो करने से उसके अंदर क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक, यदि वो उटपटांग करता है तो तटस्थ रहेगा। ठीक, यदि समान होकर आता है तो चाय बिस्कुट खाएगा। यदि प्रश्न पूछता है तो उसके अनुरूप उत्तर देगा या मार्गदर्शन देगा आवश्यकता अनुसार, है ना। ये सारे उपकार के ही सीढ़ियां हैं। जैसे यहां पर 10 आदमी है, 10 लोग हैं मान लेते हैं ये कैंपस में, जितने भी लोगों मैंने जानता भी काउंट, आइए पूरे दिन ये देखते हैं आपको खाने को मिला कि नहीं, है ना, आप लोगों का बिस्तर लगा कि नहीं, बिजली चली गई, आप लोगों के टंकी में पानी चढ़ा रहा है, ये हॉल को देख रहा है, ये कैमरा खरीद के सेटअप पे क्या है, ये सब उपकार के ही श्रेणी में आता है। कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के, खुद के लिए तो कोई नहीं कर रहा है ना, यहाँ जितना आदमी पापड़ बेल रहा है, हाँ कुछ भी, तो क्या कर रहे हैं, तो ये सब उसी के कड़ियों में आता है, छोटे से लेकर बड़े तक। ठीक है, 16 हो गया, 17, आश्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है, ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण विश्राम है। 17, प्रत्येक कर्म के स्फुरण के मूल में संस्कार है, प्रत्येक कर्म संस्कारदायी है। 18, दीदी 18 बोल रही थी, है स्फुरण के मूल में संस्कार है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। स्फुरण किसको कह रहे हैं? मन में स्फुरण होता है। मन की तीन स्थितियां होती है, एक संवेग, दूसरा स्फुरण और तीसरा प्रेरणा। और एक होता है क्रांति, उसको छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर स्फुरण, प्रेरणा का मतलब क्या है? सामने कोई जिस चीज दिखता है उसका प्रभाव मेरे अंदर आ जाता है, उसको देख के मैं करता हूं, वो भी ठीक है। आप अच्छा कर रहे हो, उसको देख के मुझे अच्छा हो गया। आपने राइस मिल लगा दी, उसको देखकर मेरे भी मन रहा था मैं भी राइस मिल लगा सकता हूँ, है ना। लोगों को चावल चाहिए, हमने ईमानदारी का एक काम किया, लग गया राइस मिल आ रहा, क्योंकि कल उनके जगदेव के यहाँ गए तो राइस मिल था, तो राइस मिल आ गया। जो भी, राइस मिल लगाना बड़ा काम है, सबकी बस की बात नहीं है। ठीक, तो आप कोई, कुल मिलाकर यह है कि आप कोई वैद्य व्यवसाय कर रहे हो, उसको देखकर मेरा मन आता, मुझे प्रेरणा आता कि मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार हम प्रेरणा ऐसे ही लगते हैं कि कोई नौकरी छोड़ दिया, अध्ययन कर रहा है, केवल ये प्रेरणा नहीं है। मनुष्य के जीवन में अनेकों चीजों की प्रेरणा होती है, जो सद प्रेरणा है उसको प्रेरणा के रूप से कहेंगे। दूसरा है स्फुरण, स्फुरण का मतलब है कि वो अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है उत्तर। ठीक, उसके मूल में कोई संस्कार है जो चित्त में है, स्फुरण मन में है, तो हमारे अंदर कोई स्वीकृति है जो संस्कार के रूप में है, जो उत्तर निकल रहा है वो स्फुरण है। ठीक है, जैसे हम पुस्तक पढ़ाते हैं, भाई एक समय है जब हम पुस्तक पढ़ के सोच के आते हैं, आपको ऐसा पढ़ाना है वैसे पढ़ाना है, इस मुद्दे पर ये बोलना है वो बोलना है, तैयारी करके आते हैं। जैसे प्रोफेसर लेक्चर नोट्स लेता है, वो धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाता है। उसका यदि कोई संस्कार पक्ष स्वीकार हो जाता है तो जो भी हमारे सामने आता है उसका उत्तर स्फुरण पूर्वक निकलता है। तो वो स्फुरण, तो उसके मूल में कोई संस्कार चाहिए, है ना। तो प्रत्येक कर्म संस्कारदायी है। प्रत्येक कर्म का कोई संस्कार होता है, मतलब ये भी कह रहे हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसकी कोई रिजल्ट, कोई इंप्रेशन हमारे अंदर रह जाती है। इसलिए पारंपरिक विधि से भी भारत में देखें तो कर्म पर बहुत जोर दिया है,
मतलब ऐसा नहीं कि आपने कर्म कर लिया और वो फ्लश हो गया टॉयलेट, मतलब फ्लश टैंक जैसा, वो उसका इंप्रेशन अंदर बनता है, पॉजिटिव लूप है वो, फीडबैक लूप है वो। हमने कुछ उटपटांग सोचा, उसका इंप्रेशन वापस हमारे अंदर आएगा, जो भी एवरी उटपटांग सोच विचार अंदर कुछ आएगा, एवरी उटपटांग कर्म बोल दिया मुंह से उसका कोई अंदर आया, कुछ कर दिया उसका अंदर आ गया, किसी चीज के लिए अनुमोदन दिया फिर हमारे अंदर इंप्रेशन आ गई। तो प्रत्येक कर्म संस्कारदायी है। अठारह में आपका कुछ था ना शुरू, पहले हम जब शुरू किया था आपका अठारह। हाँ भैया, ये तीसरी लाइन अठारह, असंख्य विविधता का समूह ही विराट है भाई, कवितात्मक भाषा है, असंख्य विविधता का, विराट मतलब जो बड़ा है ना, बात हुई थी इसमें पूरी प्रकृति को ही विराट कह रहे हैं, और इसमें असंख्य विविधता, जैसे पत्थर कितने प्रकार की मिट्टी देखेंगे तो बहुत सारे हैं, है ना, 108 प्रकार के परमाणुओं से पूरा बना है, कितने प्रकार के पेड़ पौधे देखेंगे, गिनती किया है मानव में लाखों में जाता है, है? फिर कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, अब को परसों के न्यूज आइटम में आया था कोई, ये लोग पूरे धरती पर कितना चींटी है उसका संख्या और उसका वजन बताया था, आदमी ये भी गिनकर बैठा है चींटी, आदमियों के वेट से ज्यादा है उसका, हाँ? No, it said, the news item said, the total weight of ants in the world exceeds the total combined weight of all the humans on the planet. कौन सोचता कि चींटियों का वजन हम सब के वजन से अधिक होगा, असंख्य है ना, हाँ, शरीर के वजन के अनुपात में 10 टाइम्स या 20 टाइम्स वजन भी उठा लेता है बॉडी वेट का चींटी। तो इसको विविधता कह रहे हैं, चींटियों में भी अनेक प्रकार हैं, है ना, अनेक प्रकार के बंदर भालू, ये सब विविधता, असंख्य विविधता का समूह ही विराट है, ये एक धरती पे, अनेक धरती, फिर असंख्य धरती सोचेंगे तो बहुत सारा है। यहाँ एक धरती के बारे में बोला जा रहा है, नहीं सारे धरतियों के बारे में। ब्रह्म व्यापक और स्थिर है, अतः इसमें कोई तरंग कंपन स्पंदन और गति नहीं है, यह पारगामी है, यह अपरिणामी है, यह आकार प्रकारात्मक सीमा से बाधित नहीं है, अतः इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है, मतलब ब्रह्म में कोई ऐसा संकल्प नहीं है कि धरती को सृष्टि को पैदा करना है, यह हम पहले डेढ़ दिन जो लगा है उसमें कवर हो गया था कि अस्तित्व का सबसे सुख, आपको याद इधर लिखा था ऊपर अस्तित्व का लिखा था, प्रत्यक्ष उसके नीचे लास्ट में व्यापक वस्तु, वो सबसे उसका सूक्ष्मतम स्तर, फिर मनुष्य ने ये भी सोचा कि ये व्यापक क्या है, इस ब्रह्म और जगत में क्या अंतर, सब ये पानी गिरते रहेगा क्या, बंद हो जाएगा ना 9 बजे से गिरते सावानों से, तो इसमें और उसमें अंतर संबंध क्या है, तो लोगों ने ब्रह्म को ईश्वर भी दिया, और क्योंकि कोई चीज होने के लिए कोई निर्माता भी होता है, ये हमारे कल्पना में पहले से है ये तर्क, इसलिए ब्रह्म के आधार पर जगत पैदा होगा ऐसे किया है कि ईश्वर के संकल्प से, फिर जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया बराबर ना, विष्णु जी इसको बना के रखते और शिव जो है ध्वस्त करते हैं उसको, इसलिए शिव तांडव है। रावण ने लिखा है शिव तांडव स्तोत्र, उसको जलाते हैं, उसमें एक अनुभूति दी है, क्रिया समूह ब्रह्म में ही संप्रक्त है, और आप बता रहे थे उसे नीचे लाइन है, 2-3 लाइन नीचे, तो ये उसके आगे लिखा, यह निर्णय ज्ञान अवस्था सहज इकाई में सहज है, तो ये निर्णय किस चीज के लिए बोल रहा है, ये निर्णय का मतलब ये ज्ञान या ये समझ, समझ के आधार पर निर्णय होता है, पहले हमारे अंदर कोई आकलन होता है ना, अस्तित्व ऐसा है वैसा है, पहले से हम कुछ सोचे रहते हैं, फिर इसमें आते हैं तो और कुछ स्पष्टता बनती है, ठीक,
फिर किसी समय में हम डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा ही है, इसके बाद वो बदलता नहीं, ऐसे जीवन है। अब इसके बाद ये नहीं होगा, जीवन हो भी सकता नहीं हो सकता पता नहीं, मैंने देखा नहीं, ये निर्णय है। ये निर्णय किस चीज का फल है? किसी जानकारी का फल है, किसी समझ का फल है। तो निर्णय का मतलब मानना, जानना मानना बोलते हैं ना, निर्णय का मतलब मानना, स्वीकारना, टू एक्सेप्ट या बिलीव। बाथरूम से भैया उसे पेज नंबर मिनट नीचे में पेज नंबर 18 में यहाँ दिया है, नीचे से ऊपर तीसरे लाइन, अनुभव वर्तमान में ही प्रतिष्ठित है, भूत और भविष्य केवल अनुमान में है, अनुमान साधार व निराधार के भेद से गण्य है, जो स्पष्टता तथा अस्पष्टता को प्रकट करता। तो इसमें अनुभव को वर्तमान में बोल रहे हैं भैया, लेकिन भूत में भी जो किए रहते हैं उसका भी तो अनुभव रहता है ना, तो उसमें केवल अनुमान क्यों बोल रहे हैं? वो भूत में जो किए रहते हैं वो उस समय किए हुए अनुभव का स्मरण है एक, यहाँ पर जो अनुभव एक, दूसरा जो हम भूत में अनुभव किए रहते हैं वो सही गलत दोनों, या इंद्रिय अनुभव इंद्रियातीत अनुभव दोनों होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो अनुभव की बात कर रहे हैं या अंतिम अनुभव की बात कर रहे हैं, आत्मा द्वारा या आत्मा में जो अनुभव होता है उससे वर्तमान, वर्तमान मतलब जो चीजें बदलती नहीं, हमेशा ऐसी जैसे एक ही जैसे बनी रहती है, इसको वर्तमान कह रहे हैं, ठीक है। जागृति वाला अनुभव की को वर्तमान बोल रहे हैं? हाँ, जागृति वाला अनुभव। भूत और भविष्य का केवल अनुमान ही होता है, जैसे अभी हमारा अनुमान होता है हमको आगे ये अनुभव होगा, ये समझ में आएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और पहले भी ये किया था। अनुमान जो है साधार व निराधार के भेद से करने है, तो वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, जो स्पष्टता तथा अस्पष्टता को प्रकट करता है। उसको नीचे परिभाषित दिया किया है, नियम प्रक्रिया लक्षण सहित आधार अनुमान अन्यथा निराधार अनुमान है। तो वही जो आगे वाले लाइन में दिया, जो प्राप्त की अनुभूति और प्राप्त का उपलब्धि है, तो उसी अनुभव के लिए बोला गया है। हाँ, प्राप्त की अनुभूति मतलब व्यापक वस्तु की अनुभूति, प्राप्त की उपलब्धि मतलब क्रिया का सानिध्य। तो यहाँ पर आके अनुभव जो है उसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। हाँ? नहीं नहीं, भूत का अनुमान, भूत को यदि देखेंगे तो भूत की जानकारी रहेगी और फ्यूचर का भी अनुमान होगा ही। यहाँ ये नहीं कह रहे कि वर्तमान में अनुभव होने से भूत और भविष्य खत्म हो जाता है, केवल अनुभव क्रिया को बता रहे हैं कि जैसे वर्तमान में जो हम जिसको भी हम माने अनुभव करते हैं वही प्रेजेंट होता है, उसके जस्ट नेक्स्ट जो है वो खत्म हो जाता है, वो भूत हो जाता है। नहीं नहीं, भूत भी, भूत और भविष्य नहीं, उसको अनुमान इस अर्थ में कह रहे हैं कि जब हम पास्ट को जब रिकॉल करते हैं, जब स्मरण करते हैं, उस समय कैसे लगता था उसका एक चित्र या एक फ्रेम हमारे अंदर बनता है, बट वो तब की प्रेजेंट नहीं रहती, उसका एस्टिमेशन ही होता है, ये कहना चाह रहे हैं। उनको भी वैसे लगेगा जैसे नागराज जी हमको कहानी बताते थे, मान लेते हैं 1960 में हुआ, 62 में ऐसा हुआ, ये सब अनुमान ही है, वो उस समय प्रेजेंट था जब उसके थ्रू गुजर रहे थे। यहाँ पर पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट में अंतर को बताना चाह रहे हैं बस, कि प्रेजेंट या वर्तमान कैसे लगता है उसके तुलना में पास्ट और फ्यूचर जो है वो कैसे लगता है। तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि पास्ट और फ्यूचर ये हमेशा अनुमान नहीं रहता है और प्रेजेंट का ही अनुभव होता है, इतना ही कह रहे हैं। और प्रेजेंट का अनुभव इंद्रिय अनुभव से लेकर व्यापक सत्ता के अनुभव तक है, ये फ्रेम को सेट कर रहे हैं मानव में, बिकॉज
पास्ट एंड फ्यूचर एंड टाइम एंड प्रेजेंट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। अभी आप तो, मैंने हम बुक्स ढूंढेंगे तो बहुत सारा है, टाइम को लेकर कितने पुस्तकें हैं, फिर टाइम कर्व भी हो रहा है, पास्ट भी होता है, फिर टाइम ट्रैवल की भी बात हो रही है, आगे से पीछे जाएगा आदमी, कितने मूवीज भी बना लेते हैं लोग, है ना, पीछे चले जाता आगे चले जाता है, टाइम ट्रैवल की बात, आप मैंने स्पीड ऑफ लाइट से जब आप फास्ट चले जाओ तो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लोगों ने उसके थॉट एक्सपेरिमेंट्स भी किए, ये चीज स्पष्ट नहीं है, इसलिए फिर वो सारा होता है। हाँ सटीक हो जाएगा, फ्यूचर का अनुमान का उनका जो वो है मतलब मौलिक जो घटनाएं हैं मनुष्य को लेकर, जागृति क्रम को लेकर, जागृति को लेकर, मानवता को लेकर, व्यवस्था को लेकर, ये सब सटीक होगा। पर यदि आप जैसे आप दोनों ब्रिज बिल्डर हैं, आप ब्रिज को लेकर आप उनको पूछेंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उसका अनुमान, वो उसका जानकारी चाहिए, आपका अनुमान उनके अनुमान से ज्यादा ठीक रहेगा उसमें, मोर और लेस, प्रोवाइडेड आपको आता हो, वो अजम्पशन है। एक मिनट आया, आगे जो निराधार अनुमान है वही कल्पना है बोल सकते हैं, है? निराधार अनुमान को कल्पना, हाँ निराधार अनुमान ही कल्पना है, कल्पना मतलब जो नहीं है उसको इमेजिन कर लेना, हाँ वही निराधार अनुमान। और साधारण अनुमान में जैसे नियम प्रक्रिया लक्षण दिए हैं, तो लक्षण मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म, हाँ। और प्रक्रिया मतलब क्या, अध्ययन प्रक्रिया या कोई घटित होने वाला प्रक्रिया वस्तु में, अध्ययन प्रक्रिया नहीं, कोई भी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से प्रकृति चालित है उसके आधार पर अनुमान, जैसे यही अभी ब्रिज का एग्जांपल है भाई, कोई एक नियम है ना, उसकी कोई प्रक्रिया है, वो कैसे काम करता है, उसके अनुरूप आपका एक एस्टिमेशन होता है कि ऐसा चलेगा ऐसा नहीं चलेगा। फाइनली आदमी जितना भी कंस्ट्रक्शन कुछ भी कर रहा है वो एक अनुमान ही है ना, वो किसी नियम पर आधारित है, तो पहले नियम को स्टडी करके अनेकों नियमों को जोड़ के एक फिर एक बिल्डिंग बनती है, इसमें ईंटे का स्ट्रेंथ आ गया, सीमेंट का स्ट्रेंथ आ गया, वो उसके लेंथ का आ गया, मतलब उसमें जितने मटेरियल्स लगे उनका अलग अलग स्ट्रेंथ, उनका सम्मिलित रूप में स्ट्रेंथ, फिर उसका पूरा स्पैन, ये तीन फैक्टर आ गए उसमें, ये, 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 ये जो बीम है वो सारा अनुमान है, उसको बार बार करने से फिक्स हो जाता है कि ये चलता है, दिस वर्क्स, उसकी नियमों को रख लिया, बाद में सब लोग उसको टोप लेते हैं,
फाइनली फिर अभी मेरे को लगता है जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह करते इंजीनियरिंग डिजाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो आदमी करते करते उसको पता चल जाए कितना 20 फुट ना इतने का लोहा ले, इतना सीमेंट डाल, इतना मोटा कर, बस डाल दिया उस पर आदमी बैठ जाता है। बट वो उसमें वो सेस्मिक मतलब वो सब यदि एर्थक्वेक आएगा तो सर पे गिरेगा, वो कैलकुलेशन नहीं रहता है, शिक्षा में नहीं जाएगा वो नहीं। बट वही उसका बेटा यदि साथ में काम करता है तो सीख लेता है, कहाँ जरूरत ही नहीं, जन सामान्य नहीं होगा। हाँ वही, एंड कॉम्प्लेक्स उतने तक ही रहेगा, उसमें आप कोई शिफ्टिंग कर देंगे तो नहीं कर पाएगा, बोल सेस्मिक जोन को चेंज कर लो बना दे वो लगे क्या हो गया, नहीं नहीं कर पाएगा। और ये प्रक्रिया में विकास कम विकास जागृति कम जागृति वाला जो प्रक्रिया सारा प्रक्रिया और वो जो कालवादी निर्णयवादी क्रियावादी जो बोलते हैं विज्ञान विज्ञान वो भी प्रक्रिया सारा। हाँ और नियम में नियम में भी जितना मानव प्राकृतिक नियम प्राकृतिक नियम वो सारा मानव के लिए नियम है, मानव के जीने के नियम है, सामाजिक नियम प्राकृतिक नियम बौद्धिक नियम जड़ वस्तुओं के साथ जड़ वस्तुओं का नियम है, जैसे लोहे का एक नियम है, यही तो एग्जाम्पल है, ये सब नियम है, सीमेंट का एक नियम है, लोहे का नियम है, सीमेंट भी अनेक विधि का आता है, अनेकों प्रकार के सीमेंट है ना, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, ये सब जिसको हम गुण बोलेंगे ये सब उस नियम में आ जाएगा। यदि हम व्यवसायिक क्षेत्र या जड़ से संबंधित चीजों का अनुमान कर रहे हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं तो भैया अभी अध्ययन करते करते ये लोहे का वो सब नियम याद कैसे कर पता चलेगा, फिर अध्ययन क्रम में क्या क्या मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म से ही काम चल जाएगा, फिर उपयोगिता मूल्य कला मूल्य उससे हो जाएगा, हो जाएगा, लोहा को छोड़ सकते हैं। पर कुछ तो पकड़ना पड़ेगा, सारा छोड़ के भी नहीं बैठ सकते, लोहा के जगह ईटा पकड़ लो, ब्रेड पकड़ लो, कुछ तो पकड़ना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये दर्शन क्षमता अनुमान क्षमता कल्पना और व्यंजना क्षमता में क्या संबंध है और अंतर और इसमें समानता, क्योंकि दर्शन क्षमता में भी स्पष्ट और अस्पष्ट होते हैं और अस्पष्ट है वही निराधार अनुमान हो गया, यहाँ लिखा है अस्पष्टता और स्पष्टता, तो जो स्पष्ट है वो साधारण अनुमान और जो साधारण अनुमान है वो यथार्थता का होगा और ये निराधार अनुमान ही अयथार्थता का होगा। वैसे व्यंजनम भी प्रतिव्यंजना और व्यंजना है और ये सब भी ऐसे जुड़ता है कि भास आभास प्रतीति के रूप में समझ आता है, ये तो इसका संबंध क्या है, मतलब समानता और अंतर और संबंध चारों में? नहीं, भाषा भास प्रतीति ही व्यंजना है ना, तो साधारण अनुमान होता है तो भास होता है, निराधार अनुमान है तो भास नहीं होगा, मतलब भास जैसे लगेगा। भास होने में क्या है कि गलत को भी सही मान लेना, उसके लिए तो भास हुआ मगर एक्चुअली वो सत्य भास नहीं है, जो व्यक्ति उसको कर रहा है निराधार विधि से किसी चीज को उसको तो सही लगेगा ना, पर एक्चुअली वास्तविकता ऐसी नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, कुछ प्रयोग से पता चलेगा, कुछ प्रमाण चाहिए उसके लिए, कुछ व्यवहार को प्रमाणित करेगा तब पता चलेगा। जैसे भौतिक नियमों में निराधार अनुमान का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ये बीम है, बीम के बारे में हमने कुछ कल्पना कर ली, ये सिद्ध कैसा होगा कि हमारा कल्पना उस समय उसको सही लगता है, वो लोगों को बताता भी है ऐसा करो ऐसा करो, खुद किए नहीं रहता है, ऐसा बोलते हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के बारे में ऐसा बोलते हैं, खुद उगाए नहीं रहता है, बहुत सारा छेरी देते रहते हैं, ठीक है ना, वो सिद्ध कैसा होगा, वो प्रयोग प्रमाण विधि से सिद्ध होगा। तो पूरा जो वैज्ञानिक अध्ययन है, जो भौतिक रासायनिक वस्तुओं का अध्ययन है, उसका अनुमान निराधार होते हुए भी उस समय सही लगता है, वो प्रयोग प्रमाण विधि से सिद्ध होता है, ठीक है। तो वो यदि उस नियम का उसको भास हुआ है ना, और यदि वो सही है तो प्रयोग में सिद्ध हो जाएगा, उस नियम का कल्पना हुआ तो निराधार अनुमान हो गया तो प्रयोग में सिद्ध नहीं होगा, वही चीज व्यवहार में भी आएगा, है ना। आप मेरे बारे में कुछ मानते हो, मैं आपके बारे में कुछ मानता हूँ, आप जो मानते हो आप उसको सही मानते हो, बट वो साधारण कि निराधार है कैसे पता चलेगा, वो व्यवहारान्वयन होना पड़ेगा, उसकी व्यवहार की पूरी साइकिल है, ये जाके व्यवहार प्रमाण होगा, कई बार व्यवहार प्रमाण होने में बहुत लंबा समय लगता है।
ठीक है नहीं ठीक है, है? थोड़ा और क्या बताओ, ये सारे शब्द आप बोर्ड पे लिख देना, लिखिए ना, है? क्या बोल रहे हैं? चाय के टाइम में बहुत सारे हैं, दिखाइए मैं इधर से पढ़ तो लेता हूं, मेरे सामने है नहीं तो आप बहुत सारे क्या क्या दर्शन क्षमता अनुमान कल्पना व्यंजना में अंतर, एक तो ये पहला आप फिक्स कीजिए अपने अध्ययन में कि जो भी होता है जीवन क्रियाओं में होता है ना, कई बार क्या होता है हम शब्दों से शुरू करते हैं फिर शब्दों में गोल हो जाते हैं, तो मैंने अपने मेरे लिए जो एक चीज काम किया या ऐसा लगता है अभी तक तो काम किया है कि जीवन क्रियाओं को केंद्र में रखते हुए मैं सोचने का प्रयत्न किया तो सारी चीजें जुड़ती गई, नहीं तो एक शब्द के लिए दूसरा शब्द, दूसरा शब्द के लिए तीसरा शब्द, ऐसा पूरा घूम जाता, फिर हम कालिदास बन जाएंगे कवि, है ना, मध्य दर्शन एक कविता बन जाता है, अनुमान क्या है कल्पना, कल्पना क्या है और कुछ, उसके मूल में क्या है और कुछ, विरोध क्या है आतंक, आतंक क्या है, है ना, उसके लिए एक शब्द, ठीक। तो जिसको हम शास्त्र अध्ययन है शास्त्र अभ्यास करते हैं, जैसे अभी तो आपका पढ़ने वाला क्रम शुरू हुआ है, ये सर्वप्रथम पानी में थोड़ा सा उंगली डाल के आप देख रहे हैं कैसा लगता है, फर्स्ट राउंड रीडिंग इतना ही है, बट यदि पूरा पैर डालना है पानी में, है ना, मतलब पूरा अध्ययन करना है शास्त्र अध्ययन, उसका मतलब है अनेक भाषा को एक ही अर्थ में एकत्रित करने का प्रयत्न, बहुत सारे जो भाषा है उसको एक ही अर्थों में इंटीग्रेशन प्रोसेस है अध्ययन, सारी चीजों को एकत्रित करके एक ही अर्थ में उसको समझने का प्रयत्न करना, है ना, तो उसी क्रम में यह है। तो जितने भी ऐसा हम चार्ट बनाते हैं या आपने ऐसा बनाया है, इसका उद्देश्य है कि इसका एक ही अर्थ क्या है यह स्पष्ट हो जाए, इसका मूल अर्थ स्पष्ट हो जाए, ठीक, ये चीज ध्यान में रखने वाली चीज है, तो बढ़िया है ये प्रयत्न। तो चित्त, चित्त में चित्रण, तो पहले आपने लिखा है कल्पना, तो कल्पना का मतलब चित्रण भी जुड़ गया, कुछ विचार भी जुड़ गया, उसका कुछ आस्वादन भी जुड़ गया, इसका नाम है कल्पना, ठीक। फिर ये कल्पना कोई आधार हो सकता है या निराधार हो सकता है, है? जैसे हम सपना देखते रात में, है ना, फिर निराधार होता है, सामने उठ के देखते रियलिटी ऐसे नहीं है, उसमें मजे की बात क्या है, देखते समय लगता सही है, देखते समय सही लगता है, जगने के बाद पता चलता है ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, वो मन का पकौड़ी था, तो इसीलिए इसको जागृत अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें वो डिस्प्रूव होता है, उसमें ये डिस्प्रूव नहीं होता, कल्पना देखते समय ये नहीं आता है कि ये सारा गलत है, नहीं, ये भूल के एक नई दुनिया में चले जाते हैं, ये बात समझ में आती है, ये भूल के एक नई दुनिया में चले जाते हैं जो काल्पनिक है, विच इज व्हाट इट्स कॉल्ड इमेजिनरी एंड दिस इज कॉल्ड रियल। तो रियल कोई वस्तु उसको कैसे माने, कैन ओनली एक्सपीरियंस है समथिंग इज रियल, जैसे हमने अनुभव क्या क्या वो रियल है, नहीं, उसका कोई प्रूफ ही होना चाहिए जो एक अलग स्टेट या अनेकों स्टेटों में वो सही सिद्ध हो, ठीक है। तो ये निराधार कल्पना, तो कल्पना आप कर सकते हैं, कल्पना करते समय उसका अनुभव होते रहता है, सारे पेन मर गए, है ना, उसको आप एक्सपीरियंस करते रहते हो, ठीक। तो जब हम रात को हम सपना देखते हैं तो सपना देखते समय उसके एक्सपीरियंस होती है, घबराते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पसीना निकलता है, सब होता है,
शरीर तक भी पहुंचता वो एक्सपीरियंस, परंतु उठने के बाद पता चलता है वो निराधार था। फिर जागृत स्थिति में भी निराधार और साधार दोनों कल्पना होता है, उसमें क्या होता है, मुझे लगता है आपको कुछ नहीं आता, ये निराधार कल्पना हो गया ना। आप प्रिया में आपके साथ अपने संबंध को गलत सेट, मतलब और सूक्ष्म होते होते और आगे बढ़ सकते। तो ये हो गया आपका कल्पना। कल्पना के आधार पर ही हम अनुमान करते हैं, है ना। कल्पना शक्ति होती है हमारे में, यही हमारे में इक्वल टू अनुमान क्षमता। कल्पना यदि नहीं होती तो हमारे अंदर कोई अनुमान क्षमता होता ही नहीं। देयर इज नो वे टू एस्टिमेट। कुछ शक्ति चाहिए ना, ठीक है। वो कल्पना के कंपोनेंट्स को देखेंगे तो चित्र एक है, चित्रण, विचार और बाद में मन में आस्वादन। जैसे अभी भैया को हम किसी से बात कर रहे थे तो मैंने कहा फलाने जगह में सबसे बढ़िया वो मिलता है बालूशाही। अभी इनके घर गए थे, इन्होंने इधर का कोई फेमस बालूशाही खिलाया, तो मैंने बोला नहीं और एक जगह है यूपी में, वहां शानदार बालूशाही मिलता है। मैंने कहा वो घी का तला होता है, ठीक। फिर ये बोला कि वो उसका लेयर होता है, फिर उसके क्रिस्टल्स होते हैं, उसके लेयर्स होते हैं, पेपर जैसे एक एक करके एकदम क्रंच जैसे टूटता है वो। ये क्या हो गया, ये कल्पना हो गया। वो कल्पना में आस्वादन भी निहित है उस व्यक्ति में, इनके अंदर वो आस्वादन बन गई। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई लेकर आ रहा है उसको यूपी से, है ना। है नहीं लिए बांदा में ट्रैफिक, ये देखो मैं भी वेट कर रहा था। अरे बाप रे, बहुत दूर था वो तो। नहीं नहीं, हमारा तो साधार था, उसको उन्होंने निराधार कर दिया, वो जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाए जिनको बोला था। वापस भी उसी रास्ते से आ रहे ना, नहीं। चलो आस्वादन गया, अभी बहुत दिन रुकना पड़ेगा। अगला सम्मेलन बांदा में करवाते हैं तो सबको जाना पड़ेगा। आइडिया तो ठीक है, बांदा सम्मेलन हुआ नहीं अभी तक। अभी से बोलना शुरू कर देता, अगला सम्मेलन बांदा में होने से 2-3 साल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये साधार और निराधार। तो ये जो अनुमान क्षमता है मनुष्य का, ये कल्पना का वस्तु क्या है, वस्तु तीन ही है ना, और वही तीन ज्ञान है, अस्तित्व तथा उसके जितने कंपोनेंट्स हैं। जीवन या चैतन्य और मनुष्य का आचरण, जीना, सूक्ष्म तक जीवन या मानव के बारे में कोई कल्पना आ सकती है, वो भी स्थूल से लेकर सूक्ष्मता, व्यवस्था में भी स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक। तो व्यवस्था का सूक्ष्मतम कल्पना क्या है कि पूरे मानव जाति का संविधान कैसे होगा, है? हमने सोच ली, ठीक। वो स्थूल रूप में परिवर्तन होने के लिए पता नहीं कितना वर्ष होगा। ऐसे बाबा जी ने एक संविधान लिख दिया, उसके अनुरूप मनुष्य को होने का कितना टाइम लगेगा, इनका अनुमान है, बोलेंगे 100 वर्ष, ये बोलेंगे 500 वर्ष, मैं बोलता 5000 वर्ष, ठीक है। मेरे अनुसार इतना टाइम लगेगा, 5000 साल लगेगा, ठीक, मान ले मेरे अनुसार। तो ये एक अनुमान है। ये क्या है, तो ये जो मैंने संविधान मतलब सूक्ष्म बनाया, ये अनुमान भी हो सकता है, अनुभव भी हो सकता है। वो अनुभव पुनः हर जगह पहुंचने के लिए, हर जगह फलित होने के लिए, ये पुनः एक अनुमान। ये वाली बात समझ में आती है। तो ये पूरा कल्पना का रेंज है, इस कल्पना के रेंज के अनुसार हमारे में अनुमान क्षमता, वो साधार निराधार दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के लिए एक संविधान सोचा गया कम्युनिज्म, जिसमें सारा धन का एक साथ हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करके देखा, काम नहीं किया, ठीक है। ठीक है, ये
तो ये हो गया आपका कल्पना अनुमान। दूसरा क्या लिखे हो, दर्शन क्षमता। यही दर्शन क्षमता है, दर्शन का मतलब समझना, देखना। तो अनुमान क्षमता जब फिक्स हो जाता है इज इक्वल टू दर्शन। उसके पहले अनुमान क्षमता और कल्पना इक्वल टू दर्शन क्षमता। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ये दर्शन क्षमता है, ये कल्पना नहीं है, अनुमान भी नहीं। आप हो कि नहीं हो, आप हो कि नहीं हो, है, ये दर्शन हुआ। क्या दर्शन? आपके रूप को लेकर आपके अस्तित्व पर मेरा विश्वास हुआ कि ये है, इससे बात करूंगा। एक आदमी है, एक इकाई, जीवित इकाई ऑफ टाइप मानव है, इतना फिक्स हो गया। इसमें कोई अनुमान नहीं है, साधार निराधार फिक्स हो गया। आकृति से बहुत सारी चीजें आपके बारे में फिक्स हो गई अपने आप ही। आप बीमार पड़ोगे, आपके दो लंग्स है, दो किडनी है, एक हार्ट है, पूरी चीजें फिक्स हो गई। ये दर्शन क्षमता, ठीक। ये कल्पना शक्ति के कारण हुआ और ये साधार हुआ। ये कल्पना की भी जरूरत नहीं है, वो सीधा दर्शन ही है। आगे ये किस चीज का दर्शन हुआ? स्थूल का हुआ, मानव के स्थूल रूप का दर्शन हुआ। सूक्ष्म रूप का अनुमान होगा, ये ब्रेन से चालित है, चैतन्य में है ना, शरीर छोड़ने के बाद रहता है, नहीं रहता है, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, राक्षस बनेगा, या मान लो देवता बनोगे, है ना, आपके बारे में माधुरी, तो भूत प्रेत क्यों बोले, देवता बनोगे, है ना। और अभी तो बहुत टाइम है, शरीर काल तो अभी शुरू हुआ है, क्या एज है, 18, अभी तो बहुत टाइम है, 70 साल तो है, 60-65। तो ये हो गया दर्शन क्षमता। और क्या लिखे हो, व्यंजना। व्यंजना का मतलब क्या है, व्यंजित होना का मतलब क्या है, व्यंजन का मतलब क्या है, आंटी जी बताएंगे व्यंजन का मतलब। आज शाम को इनके यहां व्यंजन है। व्यंजन का मतलब, हाँ, डिश, किन्हीं चीजों को पकाना, है ना, मतलब उसकी कोई होल होना, उसका कोई अर्थ निकलना। फाइनली व्यंजन क्या है भाई, हम गाजर का हलवा बना रहे, वो एक व्यंजन हुआ। गाजर अपने में व्यंजन नहीं है, दूध अपने में व्यंजन नहीं है, शक्कर अपने में व्यंजन नहीं है, ये पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स मिलके कोई एक मीनिंगफुल होल बनता है, इसका नाम है व्यंजन, ठीक। तो बाहर अस्तित्व में बहुत पार्ट्स हैं, आप एक पार्ट हो, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। इसको देख के मेरे अंदर व्यंजित होने का मतलब क्या है, ये सारा मानव है, ये सारा साहू परिवार है, ये सारा चंद्रकार है, ये सब व्यंजन है। वो मानव के मतलब निराधार भी हो सकता है, पुनः साधार भी हो सकता है। तो हम उसको व्यंजना तब बोलेंगे जब वो साधार हो, तब तक वो मात्र कल्पना है। इट इज अप्रोक्सीमेटिंग रियलिटी, मगर अभी हुआ नहीं। अप्रोक्सीमेशन की सर्च में हुआ, वही सारे साहू परिवार मिलके एक है, भाई एकता को तो कल्पना हुआ, बट उसका रेंज गड़बड़ा गया। ये समझ में आता है? मैं 2010 में जब इधर था तो अहिवारा जाना था कुछ लाने के लिए, तो हमारे साथ एक साहू जी थे, तो मैंने उनको बोला साहू जी चलें, उन्होंने बोला एक मिनट में साहू जी को बोल के आता हूँ। पूरा क्लास में 70% साहू थे। वो सबका नाम जनरली मैंने एक दूसरे को साहू जी बोलते रहे। अब उधर 70% ऑफ द क्लास तो साहू, मतलब 70 नाम याद रखने पड़ेंगे, वो सरनेम से तो नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, कुलकर्णी, देशपांडे, है ना। चौहान, यादव, कॉमन सरनेम्स हैं, सुतार, बहुत सारे। तो ये क्या हुआ आपका, व्यंजना। व्यंजना समझ में आता है? ये जो बाहर जो पूरा अस्तित्व का जो कल्पना होता है, इसका अर्थ हमारे ग्रहण हो जाना बराबर व्यंजना। तो व्यंजना क्या है, फाइनल आउटकम ये सबका समझ के रूप में व्यंजना। उसका मास बनना, वो चार स्तर में होता है। प्रथम व्यंजना का नाम भास, दूसरे का नाम आभास, तृतीय का नाम प्रतीति, ऐसे बनता, ठीक हो गया चारों शब्द। चलिए है ना, ये जो दर्शन किया स्पष्ट अस्पष्ट होगा, जितना उससे शिफ्टिंग होगा स्पष्ट और अस्पष्ट होता रहेगा, तो कल्पना शक्ति से ही तो दर्शन हो रहा है ना।
नहीं ना, प्रत्यक्ष अनुमान आगम तीनों होगा दर्शन। अनुमान के आधार पर भी कुछ दर्शन होता है, जैसे अभी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, उधर कहाँ भार कहाँ है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सब हमारे खोपड़ी में। जैसे बाहर जाते हो तो सब खंड खंड ही है, नहीं बताया ना, सार्वभौम व्यवस्था में सर्कल बनाया था, अछोटी और हिंगना मिला के एक सोपान, द्वितीय सोपान इधर तक, तृतीय सोपान में आके बोला दूसरे तीसरे सोपान के बीच में दारू का अड्डा, इसका क्या करोगे, है ना, उधर क्या करेंगे। हाँ जी 18, हाँ हाँ पेज नंबर 19, 18 हो गया, 19 19 में ये दूसरे लाइन, प्रत्येक इकाई विराट का एक अंश है, इसलिए वह विराट का संकेत ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। प्रत्येक इकाई विराट का एक अंश है, इसलिए वह विराट का संकेत ग्रहण करने के लिए बाध्य है या प्रवृत्त है, बाध्य है भी है, क्या मतलब हुआ इसका, प्रत्येक इकाई संपूर्णता का एक पार्ट है, इसीलिए मतलब एक भाग है संपूर्णता का, इसीलिए संपूर्णता से संकेत ग्रहण करने के लिए वो बाध्य है, मतलब उसको लेना ही पड़ेगा। उदाहरण के रूप में एक पत्थर को हम उस बाहर रख देते हैं, है ना, यहाँ के संपूर्ण वातावरण में वो पत्थर है, वो पत्थर अकेले नहीं है, तो जो भी ठंडी गर्मी पड़ेगा ना उसका इफेक्ट उस पत्थर पर पड़ेगा ही, उसको कुछ कर नहीं सकते, मतलब वातावरण से किसी इकाई को मुक्त नहीं किया जा सकता। उल्टा मैं आदमी हूं और मैं मान लूं कि मैं आज के दिन इस दुनिया में रहूंगा, है ना, और इन्फ्लेशन से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी व्यवस्था का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे बचना कैसे है मुझे सोचना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई, है ना, 1000 रुपए हो गए सिलेंडर, कभी 900 था, कभी 800 था, कभी 600 था, क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन। गैस उसमें उतना ही है, जलता वो उतना ही है, मगर उसका जो पैसे का मूल्य कितना क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन। तो हम इस दुनिया में रहेंगे और हमारे ऊपर महंगाई का प्रभाव नहीं होगा या महंगाई होगी नहीं दुनिया में, ऐसा नहीं होगा, एक उदाहरण है, ठीक है ना। हम छत्तीसगढ़ में रहेंगे और कभी गर्मी नहीं लगेगी, गर्म तो लगेगा। तो प्रत्येक इकाई विराट का एक अंश, इसलिए विराट का संकेत ग्रहण करने के लिए बाध्य या प्रवृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विराट बोल रहे हैं तो संपूर्णता, संपूर्णता का ब्रह्मा जी, विराट का मतलब ब्रह्मा जी, सब ब्रह्मा जी के पेट में है, ऐसा भी मान सकते हैं आप है? प्रकृति भी ब्रह्मा जी के पेट में ही, वो सबसे बड़ा पेट। विराट का मतलब बड़ा, संपूर्णता, सृष्टि है नहीं, व्यापक के साथ ब्रह्मा जी, ठीक है, दोनों आ गया उसमें, व्यापक और प्रकृति, सृष्टि, पूरी सृष्टि। तो कोई भी चीज है वो सृष्टि का एक अंश है, जैसे धरती है, धरती स्वतंत्र है क्या, नहीं, स्वतंत्र गति में है, परंतु वो एक संपूर्णता, इस मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है, तो उसके जितने भी प्रभाव सारी चीजें उस पर पड़ेगा तो उसके लिए लेने के लिए वो बाध्य है। कितना ही कह रहे, एक इकाई को अपने वातावरण से मुक्त नहीं किया जा सकता। प्रकृति निर्माण के आरंभिक क्रम तथा ब्रह्म के अस्तित्व के आरंभिक काल के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है, मतलब एक अभी बना इसका कोई प्रमाण नहीं है, देयर इज नो क्रिएशन। वर्तमान में सत्ता और सत्ता में समाहित प्रकृति ही प्रत्यक्ष है, प्रकृति और सत्ता के आदि और अंत की चर्चा विगत और आगत में है, है ना, मगर होता आया है, इसके अंतराल का कोई प्रमाण नहीं है, गणना ऋण धन अनंत की स्थिति, कुल मिलाकर यह बोल रहे हैं कोई चीज बनती है और खत्म हो जाती है, इसका कोई प्रमाण नहीं, जो भी है वर्तमान है, वर्तमान में सत्ता में संपर्क प्रकृति है, ठीक है।
चर्चा आने समय वाले समय में होता रहेगा, हो सकता है, मतलब आदमी चर्चा करता रहता है ना। अभी देखिए पहले भारत में उसमें कहा कि ब्रह्मा जी के पेट से सब निकला, उनके मुख से कब दम निकला, एक ये बात हुई। सांख्य दर्शन जो मैंने आपको एक भारत में एक दर्शन उन्होंने बोला वो पुरुष का जो नजर है वो प्रकृति पर पड़ा, प्रकृति में हलचल हो गई, उसकी पूरी सृष्टि हो गई, ठीक है। और कृष्ण भगवान के टाइम में बोले कि वो मक्खन खाया, मुंह खोला, उसके अंदर पूरा सृष्टि निकला, तो पता चला उनके मुंह से सारी सृष्टि निकली, ठीक है ना। हाँ, और क्रिश्चियनिटी में मानते हैं गॉड ने बनाया सब, है ना, गॉड इन इज इमेंस क्या है, काइंडनेस क्रिएटेड द वर्ल्ड, इतना दया भाव आया भगवान पे कि सृष्टि का रचना किया। और बगल वाला पूछा या जब बनाया बनाया इतना घटिया भी बनाया, है ना, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया फिर, है उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि तभी मनुष्य जिम्मेदार होने का बनेगा, नहीं तो आलसी हो जाएगा। सबने अपना अपना तर्क दिया है, नहीं तो यार तू मेहनत क्यों करेगा, तो आलसी हो जाता। तो पहले भगवान ने यह सोचा कि सब परफेक्ट बनाओ, फिर पता चला नहीं दुनिया तो परफेक्ट है मगर उसमें मानव आलसी हो जाएगा, तो उस पर काम पे लगाओ। क्या काम पे लगाओ, उसको भूख दो, प्यास दो, दुख दो, तब वो सोचेगा और मेरे से दूर हो जाएगा। ये सब देने से वो सोचेगा मैं फिर कहां से आया, फिर वो मेरी याद करेगा, तब मेरी कृपा से मैं उसका वो कर दूंगा। ये पूरा कहानी है 2 मिनट में, है ना, या जो भी 50 सेकंड में। अब आपका आदमी पूछेगा तो पूछेगा अच्छा तो मतलब तेरा भगवान जो सृष्टि बनाता है वो परफेक्ट है, उसका आदमी परफेक्ट नहीं होगा। क्यों, ऐसा एक आदमी बनता जिसमें रहते हुए भी आलस नहीं होता, तो उसका उत्तर क्या, ज्यादा मत पूछो नहीं तो तुम्हारा सर फूट जाएगा, ऐसा होके खत्म हो जाता है। ये सब आगत विगत का ही कहानी है, ऐसा ही है, ठीक है। ये उसने आगे दिया जो आकार आयतन घनो पाद युक्त, ये जो अभी ब्रह्मा में ही सब समाया आप बताए सृष्टि में, तो क्या ब्रह्म ही है, वही है ना। कुल मिलाकर पूरी कहानी, एक तो प्रकृति देखिए अनुभव, 2-3 बिंदु जो मैंने पहले ही दिन रखा था, एक तो अनुभव ज्ञान में अस्तित्व के बारे में क्या स्पष्ट होता है, एक तो ब्रह्म है सर्वव्यापी है, इसमें इकाइयां हैं, ब्रह्म से इकाई पैदा नहीं हुई, इकाई कभी नष्ट नहीं होगा, ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होगा, इन दोनों में अंतर संबंध संपृक्तता का है। एक इसके अराउंड जितना भी कंफ्यूजन कम से कम भारतीय विचारधाराओं में आया है उसको इस पुस्तक में उल्लेख किया, एक पूरा सेट है, बार बार इसी थीम को ला रहे, है ना। तो ब्रह्म के संकल्प या किसी इच्छा से प्रकृति प्रकट हो गई, ये नहीं, एक ये सेट हो गया। दूसरा अनुभव ज्ञान अंतिम है, ये जिस स्थिति में ज्ञान होता है उसका नाम अनुभव ज्ञान है, वो आत्मा में होता है, आत्मा से बुद्धि चित्त वृत्ति और मन अविभाज्य है, आत्मा में जो ज्ञान है आत्मा पूर्वक जो ज्ञान होता है ये अंतिम ज्ञान है, इससे अधिक कुछ ज्ञान होता नहीं। दो, तीसरा तुम को ये सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि तुम इसमें फंसे हो उसमें फंसे हो उसमें फंसे हो। तीन, ये 3 पैकेट है अनुभव दर्शन, मुझे लगता है इतना मोटा मोटी आप लोगों को पहुंच गए, लिखने की आवश्यकता नहीं है उसमें। भैया इससे पूछे थे भैया, तो ये घनोपाधि युक्त, ये इसका मतलब घनोपाधि युक्त आकार आयतन घन, घन का मतलब क्या है, आकार का मतलब शेप, आयतन आयतन का मतलब उसका पूरा जो सरफेस एरिया है जितने में बना हुआ है, ये आयतन, जैसे मेरा आयतन इतना है वो इनका आयतन मेरा आधा है, मुकुंद का आधा होगा है या 2/3 होगा, आधा तो नहीं है, मैं इतना मोटा नहीं और वो इतना पतला नहीं है, 2/3 होगा, है ना, निराधार अनुमान हो गया पहले वाला, ठीक है। ये आयतन घन डेंसिटी कितना वो है, ठीक है, कुल मिलाकर एक इकाई को बताने के लिए आकार आयतन घन, कुछ नहीं कह रहे, इतना ही कह रहे कि ये देखिए अनुभव दर्शन में कवितात्मक भाषा है, वस्तु उतना ही है, ठीक है। अनंत लोक, इसको एक लोक बोला, इस धरती को एक लोक बोला है,
और एक धरती वो भी एक लोक है, तीसरा एक धरती वो भी एक लोक है। सभी लोक मतलब रूप से ही बना हुआ है, जड़ परमाणु से ही बना हुआ है। प्रत्येक परमाणु में आकार आयतन घन तीनों है, प्रत्येक लोक का भी आकार आयतन घन तीनों है, ठीक है ना। ठीक, ये सभी जगह जो भी है इसका आधार भी ब्रह्म ही है। 19 में और कुछ है तो खत्म कर देते फिर नाश्ते। ओ, जो भी पांचवी लाइन में दिया है, नियंत्रण ही प्रेरणा है, तो ये प्रकृति के लिए लिखा है। अच्छा। मूल में परमाणु व्यापक वस्तु में नियंत्रित है ना, यही उसके लिए प्रेरणा भी है। मानव के लिए भी नियंत्रण ही प्रेरणा है। देखिए कुछ देर के लिए मनुष्य भोग में भटकता है, फिर रिलीजन की ओर दौड़ता है या सेल्फ हेल्प बुक को पकड़ता है, ये क्या है, वो नियंत्रित होना चाहता है। कोई भी मनुष्य बहुत लंबे समय के लिए अनियंत्रित नहीं रहना चाहता, दोनों के लिए। ठीक है, हो जाए चाय ब्रेक, हो जाए 11:35 पर आ जाते हैं हम। हमारे पास कितना दिन बाकी है, अभी कितने पेज बाकी है, हम टाइम से चल रहे हैं क्या? आज क्या डेट है? 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन है। पांचवा दिन फ्री रहता है, क्या रहता है पांचवा दिन? हाँ 13 तक की क्लास है, तो 13 तक है ना हमारे पास, तो 5 दिन है। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कर लेते, 20 और 50, नहीं तो ऐसा ना रहे कि आया बहुत कुछ बोला और पुस्तक नहीं पूरा किया। 30 दिन 30 पेज है, 6 पेजेस पर डे। नहीं, ये टोटली मिला के ऐसे बोल रहा हूँ 30, तो मतलब इसके गिनती के अनुसार देंगे तो 6 पेजेस पर डे। आज कहाँ से शुरू किया हम? 18 से 15 से, नॉट बैड, जा ही रहे, 22 तक पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, भैया 20 में और कुछ? भैया पेज नंबर 19 में ही है, ये सूत्र छंद वाक्य शब्द के द्वारा क्रिया मात्र का वर्णन है, साथ ही ज्ञानानुभूति के लिए उपदेश पूर्वक इंगित भी है। इसको थोड़ा जितने भी भाषा है, शब्द है, सूत्र हो गया, छंद हो गया, वाक्य हो गया, ये सबसे प्रकृति का ही वर्णन है ना, मतलब जिसमें रूप गुण स्वभाव धर्म हो इसका वर्णन हो सकता है। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जो भी भाषा से हमारे अंदर बनता है कल्पना, जैसे बोलते हैं कि प्रकृति है, अस्तित्व ऐसा है, मानव है, मानवीय व्यवहार है, ठीक है ना, जितनी भी हम उसकी व्याख्या देते हैं, उससे जो हमारे अंदर जो कल्पना बनता है वो प्रकृति का ही बनता है। व्यापक वस्तु का कल्पना बनता नहीं शब्द से, तो व्यापक वस्तु का अनुमान ऐसा होता नहीं, या होता है परंतु अनुमान की बहुत सीमाएं हैं, भाषा के आधार पर जो अनुमान बनता है। व्यापक वस्तु का बोध तथा अनुभव, इसी से व्यापक वस्तु समझ में आता है। ठीक है, आश्लिष संश्लिष परंपरा में ढका हुआ घिरा हुआ। देखिए जो वो हम पहले एक सवा दिन में जो बात रखे थे कि भारत में ज्ञान की परंपरा, अनुभव के बारे में चर्चा, उसके लिए भाषा का प्रयोग,
ठीक है ना, दर्शनों की जो पूरी इतिहास है उसके आधार पर फिर आगे का दर्शन आया है। मतलब आधार का मतलब यह है कि उस क्रम में फिर इस दर्शन का प्रकटन है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिन शब्दों के माध्यम से इन्हीं वास्तविकताओं को परंपरा में बताने का प्रयत्न किया गया। यह अश्लीष संश्लिष्ट मैंने पूछा था बाबा जी को, तो उन्होंने कहा कि यह मेघदूत में आता है, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत है, उसमें अश्लिष्ट और संश्लिष्ट वो मेघों के लिए लिखा है। जैसे मेघ होता है, मेघ है ना मतलब बादल, बादल जब पहाड़ से टकराता है तो पहाड़ का जो चोटी दिखता है कैसा लगता है, अश्लिष्ट संश्लिष्ट, ढका हुआ भी रहता है पेड़ और घिरा हुआ भी रहता है, तो उसी का कवितात्मक वर्णन यहां दे रहे हैं, है ना, अश्लिष्ट और संश्लिष्ट। ठीक है, देखिए ये पूरा पुस्तक हम देखेंगे ना, एक तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया, व्यापक वस्तु नहीं बोल रहे हैं, शून्य नहीं बोल रहे हैं, सत्ता नहीं बोल रहे हैं, क्यों, इनको पहले इसको वस्तु के रूप में पहले हम पहचान चुके हैं, उसके बाद भारतीय परंपरा में क्योंकि बृहत है, बड़ा है, इसीलिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इसीलिए यहां पर यदि देखेंगे तो अब ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म मतलब अंतिम जिज्ञासा, सबसे बड़ा जिज्ञासा, या ब्रह्म वस्तु को समझने के लिए जिज्ञासा, तो ब्रह्म नामक वस्तु जो अभी तक भारतीय परंपरा में बहुत चर्चित रहा, उसके ज्ञान की बहुत सारे कथाएं हैं, ज्ञानी हुए, वो सारा बैकग्राउंड है, इसीलिए ब्रह्म के बारे में बात है। तो ये मेघदूत से लिया है कालिदास, संपृक्तता को ही आश्लिष्ट मतलब ढका हुआ घिरा हुआ, मतलब डूबा और घिरा ऐसा भी मान सकते हैं, डूबा और घिरा हुआ। ठीक है, 19 तक हो गया, 20 भी हो गया, 21 में स्व प्रभावीकरण। मानव दूसरे के देह त्याग की क्रिया को देखता है, उस समय उसमें पाए जाने वाले लक्षण भी स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया की पुष्टि है। उसके पूर्व में लिखा है, स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया का बोध मन वृत्ति चित्त बुद्धि सहज शक्तियों के अंतर नियोजन प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, लक्ष्य की ओर त्वरण क्रिया ही प्रेरणा का ज्ञान है, और जो पिछले में आप बताए थे पीछे में, नियंत्रण ही प्रेरणा व प्रेरणा ज्ञान है, ये दोनों कैसे लिंक हो रहे हैं भैया थोड़ा सा? पहले ये स्व प्रभावीकरण बात को बात कर लेते हैं। स्व प्रभावीकरण का मतलब क्या है, हमारे अंदर ऐसे जीवन में कोई ऐसी निरीक्षण हो जाना जिसका परिणाम दीर्घकालीन हो, या कोई परमानेंट हमारे अंदर स्थायी कोई मूल्यांकन हो जाना। तो यहां पर लिखा है, स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया का बोध, उसके ऊपर देखिए लिखा है स्व प्रभावीकरण, प्रत्येक ज्ञानात्मा ब्रह्म पर्यंत शरीर त्याग के समय सुख या दुख, स्वरूप या कुरूप के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हो जाता है। तो हमारे अंदर जो लंबे या जीवन में जो लंबे जो स्वीकृतियां होती है वो शरीर को छोड़ते समय होता है, तो इसको कहते हैं कि जैसे ही शरीर खत्म होता है तो जीवन उसको चलाना बंद कर देता है, उस घटना में शरीर के साथ उसकी एसोसिएशन समाप्त हो जाती है। उस मोमेंट को यदि हम सोचें तो उसको यहां पर लिखा गया है कि उसमें बहुत तेज गति से अभी तक जो भी किया, अच्छा बुरा भला, ये सबका बहुत फास्ट द्रुत गति से मूल्यांकन होता है, और उसकी समीक्षा का जो प्रभाव है वो जीवन में बीज के रूप में स्टोर हो जाता है, एक निष्कर्ष के रूप में कि ये सही था गलत था, इसका नाम है स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया। ठीक है, स्वरूप या कुरूप के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हो जाता है, यही स्व प्रभावीकरण है, यही जन्म परिपाक प्रक्रिया है। जन्म परिपाक प्रक्रिया मतलब, परिपाक का मतलब क्या, जो पका हुआ है ना, पूरा रेडी मेच्योर। तो ये वाली चीज जो है किस किस को होता है, मन वृत्ति चित्त तथा बुद्धि के अंतर नियोजन प्रक्रिया से होता है, मतलब
ये शरीर छोड़ते समय जीवन में अपने आप अंतर्नियोजन प्रक्रिया हो जाती है, उसी को हम जीते जागते करते हैं या शरीर त्यागने के पूर्व में, उसी को फिर अध्ययन कह रहे हैं ना, अंतर्नियोजन प्रक्रिया को। जो वहां पर जन परिपाक प्रक्रिया दिया है, हाँ, ये मृत्यु का जो नया शरीर धारण करता तब के लिए है ना? हाँ, उसके लिए है। तो उसकी ठीक है, फिर मानव दूसरे के देह त्याग की क्रिया को देखता है। तो जैसे हम छोटे भी होते हैं तो घर में किसी का शरीर शांत हो जाता है, किसी ताऊ जी का, किसी दादी का, नानी का, बच्चा देखता पूछता क्या हो गया, हम बोलते भगवान के पास चला गया, ईश्वर के पास चला गया या मर गया। तो उसके अंदर कोई चीज आ जाती है, उस बच्चे को कोई बच्चे पर ध्यान नहीं देता है, हालांकि जनरली रोना धोना चलता है, सब होता है ना, दुख शोक, मिलने लोग आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ढोल बजाते हुए ले जाते हैं उसको, राम नाम सत्य बोलते क्या सब क्या है ये। कुल मिलाकर उसको जब एक बच्चा एक बड़ा आदमी में देखता है तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएगी कि फिर क्या चर्चा होती है, देखो इतना पैसा कमाया कुछ ले नहीं जा पा रहा है, अभी भी एक आदमी मर गया, बोलते 45,000 करोड़ का था वो मर गया, है ना, खत्म हो गया, समाप्त हो गया एक आदमी, तो क्या बात हुई। फिर वो कोई मैसेज भी भेजा था हमारे किसी शिविर के इन्विटेशन में भी आया था मुझे वैसे कि देखो वो कुछ ले नहीं जा पाया, हमारे शिविर में आओ तुमको पता चलेगा तुम क्या ले जा सकते हो। वही है ये परिपाक को ले जा, फाइनली उसको यहाँ तक ला के बोलना कि ये स्वप्रभावी करनी तुम ले जा पाओगे, ठीक है ना। तो घर घोड़ा नहीं जाता है ना, संबंध नहीं जाते हैं, शरीर साथ में नहीं जाता है, बेल्ट नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो जाता क्या है साथ में, लंबे टाइम के हिसाब से ये स्वप्रभावीकरण ये देह त्याग के समय होता है, उस समय उसमें पाए जाने वाले लक्षण भी स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया की पुष्टि है ना। दूसरे के देह त्यागते समय देखता है तो उसके अंदर भी स्वप्रभावीकरण होता है। कुल मिलाकर जीवन लक्ष्य को देखेंगे तो जीवन का लक्ष्य जो है ये निरंतर है, लंबे समय के दृष्टि से हमारे अंदर जो होना है उसकी ओर ध्यानाकर्षण करता है पुस्तक बार बार। हम अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो थोड़े समय के लिए या एक जीवन यात्रा के लिए जिन चीजों को करना उसके प्रति ध्यानाकर्षण कराता है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करो, समृद्धि का अनुभव करो, है ना, कृषि करो, उद्योग करो, प्राकृतिक नियम से कृषि करो। समाजशास्त्र के पुस्तक को पढ़ेंगे तो स्वनारी स्वपुरुष जीना, है ना, अभी तक क्या भोग मानसिकताएं की, ये सब फाइनली जाके जीवन जागृति के लिए जुड़ते हैं। पहली बात समझ में आती है, वो सब एक शरीर यात्रा के लिए, फिर संबंधों को पहचान, मूल्यों का निर्वाह, वो एक शरीर यात्राओं के लिए, ये मित्र संबंध है, भाई संबंध है। तो मानव के रूप में इस धरती पर रहते हुए हम कैसे संतुलन पूर्वक जिए, है ना, और इस शरीर यात्रा के बाद की जो तैयारी है उस क्रम में फिर ये पूरा पुस्तक है। ये जो पुस्तक, इसलिए मैं प्रातः भी कहा था इस बात को कि ये जीवन तथा जीवन में अंतिम जागृति अक्रॉस शरीर यात्रा वाली पुस्तक है। भैया ये स्वप्रभावीकरण मतलब अलग अलग जीवन के स्टेज में ये बदलता नहीं है, स्थाई रहता है, ये जीवन भर के लिए रहता है। ये स्वप्रभावीकरण है, ये जीवन के अलग अलग स्टेज में नहीं बदलता, जैसे युवावस्था में है तो उसके बाद प्रौढ़ावस्था में गए तो वहां कुछ और निष्कर्ष बना नहीं। स्वप्रभावीकरण उन बड़े निष्कर्षों को बात कर रहे हैं जो शरीर त्यागते समय होता है। अच्छा। अभी जो निष्कर्ष है 2 साल का होता है, 5 साल का होता है, इसको नहीं बोलेंगे स्वप्रभाव। नहीं, मैं 3 वर्ष पहले व्यवसाय शुरू किया, है ना, मतलब यदि उसमें इस प्रकार का अंतर्नियोजन होता है तो उसको स्वप्रभावीकरण कहेंगे, स्वयं को भी प्रभावित करना या स्वयं से ही प्रभावित हो जाना। आप बोले कि समीक्षा होती है अंतिम समय देह त्यागने टाइम, तो सही और गलत दोनों की समीक्षा होती है, तो वो स्मृति में सही ही जाता है, जीवन में सही ही जाता है, गलत स्टोर ही हो जाता है? जो बुद्धि में स्टोर होता है वो सही ही जाता है, उसके पहले 90% द्वेष वगैरह को छोड़ देता है, किसी को बहुत बड़ा तकलीफ हुआ तो उसको भी डोके जाता है, फिर बाद में आके तंग करता है, उसी को भूत प्रेत बोलते हैं। जो भूख से मर गया उसका नाम भूत, जो पीड़ित होके मर गया उसका नाम प्रेत। जो पीड़ित होके मरता है दूसरों को पीड़ित करता है, जो भूख से मरता है वो भुक्कड़ होता है तो फिर वो अपना नेक्स्ट टाइम भूख कहां पूरा हो सकता है उसको देखता है। बच्चे आप लोग बाहर जाके खा लेना, यहाँ पर क्लास चल रहा है ना, ये तीनों
अब वहां सामने जाके खेलो बेटा, ये खेलने की जगह नहीं है ना, ये पढ़ाई की जगह है। आप जाएंगे तो शायद वो भी साथ में, वही चाह रहा है ना वो इनके साथ रहने के लिए। इधर सामने खेलते रहना, आ जाओ, ये इधर ही सामने बैठ के करो, बढ़िया पढ़ रहे हो आप भी, ये इधर सामने बैठ के बुक पढ़ो, वो छोटू भी आपके साथ पढ़ेगा फिर। हाँ वो आपके साथ रहना चाह रहा है ना, इसलिए बार बार अंदर आ रहा। हाँ ठीक है, वो बच्चे बाहर चले जाएंगे तो अपने आप जाएगा वो। ये जैसे मान लीजिए कोई आधे जीवन काल में भ्रमित रहा, फिर उसके बाद में समझदारी आ गई उसके में, तो उसमें तो परिपाक में हो ही जाएगा ना उसके। हाँ परिपाक हो जाएगा, कब तक होता है? ये आचरण पूर्णता तक होता है, जन परिपाक संस्कार है ना। ये स्वरूप कुरूप जो है पशुओं में होता है अधिक, उसके रूप को सही मानना, अच्छा मानना, बुरा मानना, ये स्वरूप कुरूप का प्रभाव है। पशुओं में होता है मतलब कुत्ता जब मरता है ना, जीवात्मा होगा ना वो, जीवात्मा में। हाँ तो शरीर टकते समय उसके मन में आता है कि नेक्स्ट टाइम बिल्ली बनू कि गधा बनू कि घोड़ा बनू। यहाँ ज्ञानात्मा में कैसे होता है? ज्ञानात्मा भी स्वरूप कुरूप होता है, इस बार मैं अफ्रीकन पैदा हो गया, नेक्स्ट टाइम यूरोपियन हो जाऊंगा, सब लोग मुझे काले बोले। मरते समय भी चलते हो सर? मरते समय भी चलते है अफ्रीकन एवल से? मरते समय नहीं, मरने के बाद। मरने के बाद? हाँ जस्ट बाद। भैया ये स्वप्रभावीकरण जो है वो निर्णय पूर्वक नहीं होता, ऑटोमेटिक? निर्णय पूर्वक ही होता है बट वो निर्णय ऑटोमेटिक है। तो स्वप्रभावीकरण मतलब मृत्यु समय ही होता है या फिर उसके पहले भी हो सकता है? मतलब पहले भी हो सकता है, यदि पहले होता है तो उसको अध्ययन कहेंगे। अच्छा, जैसे रोज रात को जैसे हम जब सोने जाते हैं तो दिन भर जो हमारे अंदर घटित हुआ जैसा भी, तो हमारे अंदर एक वो बनता है, निष्कर्ष बनता है कि आज दिन भर हम कैसा जिए, क्या किए, या उस चीज को हम देख पाते, तो हमारे अंदर तो कुछ क्रिया होती है ना, उसको कैसा लेंगे? वो विचार है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है, उसका स्वभाविकरण के अर्थ में स्वीकृत होना, उसे और गहरे में स्वीकृति होनी पड़ेगी। सारा विश्लेषण और सारा स्वीकृति स्वप्रभावीकरण नहीं है, है ना। जो अगले जन्म को डिसाइड करने लायक या जीवन के दिशा को डिसाइड करने लायक जो जिस ग्रेड की स्वीकृति है उसको स्वप्रभावीकरण कह रहे हैं, उसके पहले नहीं है। मरने से पहले होगा ना भैया? मरते समय? मरने के बाद नहीं होगा सर? मरने के समय होगा, उसी क्षण में होगा। हाँ मरने के बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद वापस शरीर आता प्रारंभ करता है। और किसी को मरते हुए देख रहे तो भी होते हैं? मरते हुए देखते तो हम अपने बारे में सोचते हैं ना, मैं भी एक दिन मरूंगा, उसके बाद क्या होगा, ये सब प्रश्न आता है। वो अपना घर छोड़ के चले गया, अभी अभी तो घर बनाया था 50 लाख का, अब मैं कहाँ घर के पीछे, मतलब मैं भी नहीं ले जा पाऊंगा, पत्नी बच्चे रो रहे हैं। भैया खुद मरते हैं तब जन्म परिपाक के लिए होता है, और जो देख रहे हैं उसको मरते हैं तब वो किसका क्या होगा मतलब प्रक्रिया? वो भी हमारी जीवन जागृति करता है, परिपाक जन्म परिपाक भी क्या है, फाइनली जीवन जागृति की कोई गति है ना, उसको डिसाइड कर रहा है। मतलब संस्कार के लिए है, घटना के लिए, आगे संस्कार में परिवर्तन के लिए। हाँ हाँ भैया, तो एक इंसान के मतलब जितने सारे संबंध हैं बहुत फैला हुआ रहता है, तो कई जगह ऐसी घटना एक इंसान के जीवन में कई बार ये देखने को उनको मिलता है, तो फिर ये एक ही निष्कर्ष को वो समझता रहेगा फिर? हाँ सबका अलग अलग रहेगा। असना में बताए थे कि वो कोई जन्म होता है मृत्यु होता है फिर इफेक्ट नहीं पड़ता उसको, मतलब जो करते थे लोग विपासना वाले, तो जो गुरुजी वे वो बताया करते थे कि अब हम मेरे भाई खत्म हो गए, मेरी बहन खत्म हो गए, बोले अपन नॉर्मल अवस्था में थे। तो जो अभी जैसे दीदी पूछ रही हैं, तो वही है जो जन्म परिपाक वाला है, उसको किसी की मृत्यु में समझ में आ गए हुई है अंतिम यही जाना है, तो फिर ज्यादा प्रभावित नहीं होता किसी के जन्म या मृत्यु से। हाँ है ना, वो संयम स्थिति में जिसको मध्यस्थ बोलते हैं उसमें जीता है वो। ठीक है, तो ये सब जैसे हम
व्यापक वस्तु का पढ़ते हैं, जीवन का पढ़ते हैं, आत्मा का पढ़ते हैं, तो ये सब हमारे अंदर जाके कोई प्रभाव उत्पन्न करता है या हम प्रभावित होते हैं उससे। कि किसी समय में हमारे अंदर वो समीक्षित हो जाता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है, बोलते इसके लिए करना है, तो वो भी फिर उसके ग्रेड है वो, मतलब वो बहुत तीव्र गति से बना कि थोड़ा मध्य गति से बना कि मंद गति से बना या मंद स्वीकृति हुई, ये सब में भेद रहता है भैया। ये स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया का बोध मन वृत्ति चित्त बुद्धि सह शक्तियों के अंतर नियोजन प्रक्रिया से स्पष्ट होता है, तो ये अभी स्पष्ट होगा हम लोग को? उस समय तो होगा नहीं, मतलब अपने आप होते जाएगा, जब अभी हम लोग समझदार बनेंगे मतलब बुद्धि तक पहुंचेंगे तब ये स्पष्ट होगा हम लोग को, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ ऐसे बोल रहे। एक बार फिर क्वेश्चन क्या है इसमें, लाइन समझ नहीं आए। मन वृत्ति चित्त बुद्धि के शक्तियों का अंतर नियोजन का मतलब क्या है? मन वृत्ति को पहचानना, इसी से जागृति होती है। जागृति किसको जागृत होना है? जीवन को होना है। किसके प्रति जागृत होना है? जीवन के प्रति जागृत होना है, है ना। जीवन जागृति का मतलब क्या है? जीवन उसको बाहर ही रखना पड़ेगा, खेलते रहना पड़ेगा उसके साथ, उसकी शिक्षा और हमारी शिक्षा एक साथ नहीं हो सकती है ना, उसका आवश्यकता अलग है। वो कर ही लेगा, अपने उसको पता है कितना चिल्लाने से बाहर आएंगे, तो करता रहेगा जब तक बाहर आते हैं। तो जीवन जागृति का मतलब क्या है? जीवन अपने ही क्रियाओं के बारे में के प्रति जागृत होना, अस्तित्व के प्रति जागृत होना। ये कैसे होगा? मन वृत्ति के प्रति क्रियाओं के अंतर नियोजन से होता है। यही स्वनिरीक्षण प्रक्रिया, याद है यहां आया था किसी एक पेज में, आया था जहां भी आया था, पेज नंबर छोड़ देते हैं, बट सबको स्मरण होगा वो, ठीक है। स्वमूल्यांकन, स्वनिरीक्षण, ये सब यही है। तो भैया ये जब जागृत रहेंगे, बोध रहेगा, तब ये नियंत्रित रहेगा स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया, सुख दुख से प्रभावित नहीं होंगे उस समय? स्व प्रभावीकरण प्रक्रिया नियंत्रित होना कोई भाषा बनता नहीं है। ये जो स्वनिरीक्षण प्रक्रिया है इसी का नाम स्व प्रभावीकरण है, तो पर प्रभावीकरण है। अभी हम क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। मैं आप पर चिल्लाता हूँ, आप मेरे पे चिल्लाते हैं, मैं आप मानता हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। वो बिल्डिंग को नियंत्रित करते हैं, घोड़े को नियंत्रित करते हैं, कैमरा को नियंत्रित, ये सब क्या है? परावर्तन है, पर प्रभावीकरण। स्व प्रभावीकरण का मतलब अंतर नियोजन। तो भैया स्वप्रभावीकरण है, ये दुख से कैसे होगा अंतर नियोजन? दुख से प्रभावित हो जाते पूर्णतः, हाँ। तो सुख में अंतर नियोजन होगा ना स्वप्रभावीकरण, अगर अंतर नियोजन नहीं, है नहीं, तो। नहीं, सुख दुख से प्रभावित होके स्व दुख से भी तो प्रभावित होंगे ना, दुख से भी कुछ पता चलता है ना कि इससे कुछ गड़बड़ है। आप उसको ऐसा मान रहे हो कि प्रत्यावर्तन बराबर सुख, इसीलिए स्वप्रभावीकरण मतलब सुख को सब शब्दों को जोड़ ले रहे हो, इसलिए वो दिक्कत आ रहा आपको। स्व प्रभावीकरण एक सम्मिलित रिजल्ट है, एक परिणाम है किन्हीं विश्व बहुत सारे घटनाओं का, ठीक। तो पूरे जीवन यात्रा, एक पूरे शरीर यात्रा में जो घटनाएं घटित हुई, उसको शरीर यात्रा के अंत में जीवन शरीर को छोड़ते समय या उस क्षण में सभी को एक साथ बहुत फास्ट मूल्यांकित कर पाता है उस स्थिति में। उसके पहले टुकड़े टुकड़े में होता है या नहीं होता है, पर जब दुख होता है तो कुछ तो सीखने मिलता है ना, बट वो स्व प्रभावीकरण की ग्रेड, जैसे एक आदमी बिजनेस लगाता है वो फेल हो जाता है तो बहुत सारा नुकसान होता है, तो भयंकर दुख होता है, क्लेश होता है, फिर किसी दिन सोचता है कि मुझे अनावश्यक इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना था, ठीक। उसके अंदर कुछ प्रभाव बनी, अब ये जो प्रभाव है वो बिजनेस डालने के पहले नहीं कर सकता था क्योंकि उसका रिजल्ट अभी तक उसके पास आया नहीं है। तो किसी कर्म का फल होने के बाद उसकी जो रिजल्ट आती है उसके बाद वो उसके अंदर वो मूल्यांकन क्षमता बनी, उसके पहले उसको लगता है कि मैं कर सकता हूं। बीस में थी वो लक्ष्य की ओर त्वरण क्रिया ही प्रेरणा व ज्ञान है, तो ये पूछना तो पिछले वाले में बताए थे आप, नियंत्रण ही प्रेरणा व प्रेरणा ही ज्ञान है, उसी से लिंक है। लक्ष्य की ओर परिवर्तन होना मतलब तेजी करना, त्वरण का मतलब
एक्सेलरेशन करना, गति बढ़ाना। भैया स्वप्रभावीकरण से कहाँ तक बोल रही है, बोध होगा कि अनुभव तक जाएगा स्वप्रभावीकरण, अंतर्नियोजन बोध तक? स्वप्रभावीकरण ये शरीर छोड़ते समय या किन्हीं घटनाओं के अंत में जो मूल्यांकन होता है, उससे जीवन में जो निष्कर्ष बनता है, उससे जो दीर्घ परिणामी या अपरिणामी लक्ष्य की ओर जो उसके अंदर स्वीकृति होता है, इसको कह रहे जीवन क्रियाओं में जो जागृति का क्रम है उसमें ये एक रोल प्ले करता है। हर अध्ययन जैसे स्वप्रभावीकरण नहीं है, समझ में आता है? इसलिए वो प्रश्न नहीं बनता है कि बोध तक ले जाएगा कि अनुभव तक ले जाएगा, वो अध्ययन विधि है। अध्ययन करते समय मान लेते एक आदमी पांच शरीर आता अध्ययन करने वाला मान लेते है ना, तो कुछ जीते जी जो करेंगे निष्कर्ष बनेंगे, उससे कुछ गुणात्मक परिवर्तन उसमें होता जाएगा, ठीक है ना, और कुछ जो है शरीर त्यागते समय बनेगा, ये सब इकट्ठा होके आता है। ट्वेंटी का मानव लक्ष्य मात्र अनुभूति है, विराट में स्थित जड़ प्रकृति का उपयोग जीव अवस्था एवं ज्ञान अवस्था की इकाई अहर्निश करता आया है, मतलब बिना खत्म हुए कंटिन्यूसली। मानव को आनंद सहित निरंतरता पद मुक्ति के अतिरिक्त नहीं है, यही दिव्य मानव पद है। इक्कीस में एक लाइन दिया है आत्मा और परमात्मा के लिए, तो क्या दोनों एक ही हैं? 21 में ऊपर से दूसरी लाइन है आत्मा का नित्य अभिष्ट होने के कारण इसकी संज्ञा परमात्मा है। हाँ तो अपन दोनों एक ही है ना, आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है? नहीं नहीं हाँ, परमात्मा व्यापक वस्तु को कह रहे हैं, आत्मा से भी अति सूक्ष्म है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। तो यहाँ पर यह कारण दिया जा रहा है कि उसको परमात्मा संज्ञा क्यों दे रहे हैं। ब्रह्म को यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन है, ब्रह्म ही परमात्मा है, यही पूर्ण सत्ता है ना, अल्टीमेट पावर। पूर्ण सत्ता का मतलब अल्टीमेट पावर, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली। फिर क्यों आत्मा का नित्य अभीष्ट होने के कारण इसकी संज्ञा परमात्मा है? दूसरा एक तर्क है आत्मा से भी परम होने के कारण इसकी संज्ञा परमात्मा है। फिर परमात्मा हम उसको नाम क्यों देंगे, क्योंकि आत्मा से भी परम है। आत्मा से अति सूक्ष्म या सूक्ष्मतम वस्तु या वास्तविकता, यदि कोई वस्तु है तो वो व्यापक वस्तु है एक। दूसरा क्योंकि आत्मा भी इसके नित्य संग में रहती है, इसके भिन्न नहीं होता है, और इसी का अनुभव करके ही आत्मा की भी संतुष्टि होती है, जिसका नाम परमानंद है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा भी है। नीचे से ये छठवा ऊपर शब्द एवं उसकी गति भी ब्रह्म में समाहित है, तो ये जो शब्द बोल रहे हैं, शब्द मतलब भाषा, जैसे हम भाषा बोलते हैं, हाँ भाषा, आपने कुछ बोला मैंने कुछ बोला, भाषा भाषा भी ब्रह्म में समाहित है। ये इसीलिए ये सब इतने वीडियो से लिखा है, क्योंकि वो सब कंफ्यूजन हो जाता है, भाषा अलग हो जाता है, क्रिया अलग हो जाता है, व्यापक वस्तु अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाता है, बुद्धि अलग हो जाता है, सब खिचड़ी है ना, साबुदाना खिचड़ी बना है परंपरा में, उसको अलग अलग कर रहे हैं, साबुदाना अलग, जीरा अलग है ना, मूंगफली अलग, ठीक है ना, नमक अलग, शक्कर अलग, और ये धनिया पत्ती अलग, इतना ही इंग्रेडिएंट होता है। साबुदाना खिचड़ी पांच चीजों से बनता है, कोई लोग आलू भी डाल देते हैं। भाषा से व्यक्त करते हैं ऐसे कह रहे हैं, उसकी गति भी ऐसे बोल, ऐसे ही आगे। भैया एक और क्वेश्चन आता है, बोलते हैं कि बाबा जी को बचपन में कहा छोटे थे तब, बाबा जी को टाइफाइड हो गया था 30-40 दिन तक, तो बीमार थे, उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे कोई, उनकी मम्मी जी उनको ठीक की, तो उस टाइम क्या स्वप्रभावीकरण हुआ था क्या? फिर वो बोलते हैं उनके बाद उनमें बहुत परिवर्तन आया ऐसा करके, दिव्य पद में यार कई लोग बोलते भी हैं, तो स्वप्रभावीकरण का कुछ हुआ होगा या कुछ? वो स्वप्रभावीकरण नहीं है, वो टाइफाइड आने से जीवन में कोई विधि, देखो
स्वप्रभावीकरण तब है जब किसी घटना विशेष से जीवन में अंतर नियोजन, अभी तो बताया आपको, जीवन में अंतर नियोजन होके उसके अंदर कोई मूल्यांकन हो जाता है ना। ये जो घटना है तो इसके लिए कुछ घटना घटित होना पड़ेगा, ठीक है ना, और उसके आधार पर फिर मतलब हमारे कर्म का कोई फल है उससे हम स्वप्रभावीकृत होते हैं। ये उस टाइम बोलते कि एकदम मरने वाला हालत में आ गया था, सब लोग बोल देते कि मर ही जाएगा करके, एकदम फाइनल स्टेज ऐसा बोलते थे। मतलब वो केवल टाइफाइड के नहीं, के लिए कारण नहीं था, वो गुरुजी के मिलने का प्रभाव था। आपको टाइफाइड हुआ है? नहीं, एक बार करके देख लो, कुछ याद नहीं आएगा। केवल टाइफाइड होने से नहीं होगा, मतलब बीमार पड़ने से हमको कुछ हो जाएगा, याद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी के कारण, मतलब गुरुजी के कारण टाइफाइड नहीं हुआ, वो एक पूरी घटना है जिसमें टाइफाइड एक पॉइंट है, उसमें पूर्व शरीर यात्रा की उनकी साधना की पद्धति उनको स्मरण में आया, तो गुरुजी के मिलन से जो प्रभाव हुआ उसका योगफल है वो सब, मतलब उसका जो शरीर पर प्रभाव टाइफाइड है और जीवन पर जो प्रभाव है उनकी जो साधना की जो विधि थी या जो भी जीवन में जो था वो वापस स्मरण में आना है पहले का। हाँ, किसी भी घटना को हम देखते हैं तो हमें समझ बनती है कि हाँ ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है, उससे हम सतर्क हो जाते हैं और नहीं, और ये गलत है, गलत किया तो ऐसा हुआ, तो उससे हम सतर्क हो जाते हैं। यानी घटना, हर घटना समझदार होने के सहायक सूत्र में है, तो ये हर घटना से हम समझ जाते हैं कि ऐसी घटना मेरे साथ भी हो सकती है, ऐसा करके समझेंगे तो हम प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित होने के क्रम में है वो, कई बार ऐसे विचार आता है और उससे कोई लंबा परिणाम नहीं होता हमारे में, वही चीज बार बार हम करते हैं, फिर ऐसे व्यवहार में हमारी है, उसके बाद हमको लगता है मैंने गलत किया, फिर वो व्यवहार का सिस्टम आता है, फिर वही गलती करते हैं, फिर वही लगता है, फिर कुछ दिन के लिए भूल जाते हैं, है ना। हाँ चलिए, ये 21 में, प्रत्येक ज्ञानात्मा अपने अभिन्न अंगों सहित एक मानव शरीर को संचालित करते हुए मानवीयता व मति मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए प्रयास रहते हैं। तो ज्ञानात्मा वो जीवन का आत्मा को बोल रहे कि जीवन पुंज को बोल रहे जो शरीर को संचालित करते हैं? पहले आया था कि जीवन पुंज है जो संचालित करते हैं, तो अभी उसका आत्मा जैसे लग रहा है ज्ञानात्मा, मतलब वही ज्ञानात्मा या तो जीवन को कह रहे हैं अपने अभिन्न अंग, मतलब वो ज्ञानात्मा का ही अभिन्न, वो अभिन्न वो अंग मिलकर ही ज्ञानात्मा, यदि उस इकाई को ज्ञानात्मा बोलेंगे तो उसके अभिन्न अंग ये सारे हैं, मन वृत्ति चित्त बुद्धि एवं आत्मा, केवल आत्मा को नहीं बोल रहे, पूरा जीवन को ही बोल रहे हैं, जीवन को ही बोल रहे हैं। जैसे प्रत्येक मानव अपने अभिन्न अंग सहित प्रश्न पूछता है, जैसे आप पूछ रहे हो, ठीक, और यदि मानव कौन है पूछा तो क्या बोलोगे? ये अभिन्न अंग सहित जो सम्मिलित क्रिया है इसका नाम है मानव, मुकुंद। मुकुंद क्या है? ये अभिन्न अंग सहित जो बोल रहा है वो मुकुंद है, समझ में आता है? इसको बोलने जाएंगे वो परिभाषा है, उसकी व्याख्या करने जाएंगे तो वो उसका परिभाषा उसी के साथ है, मतलब उसके अंग ही है, ये सारे अंग मिलकर एक होल है, वो होल क्या है? अंगों का कलेक्शन, दोनों विधि से, ठीक है। हाँ जी, 21 से आगे जाए। किस्वा में तात रहा है वो अति मानवीयता और अमानवीयता को बोले कि ये नीचे तात रहा है 21 में संस्कारों के प्रभाव का, अमानवीयता मानवीयता तथा अति मानवीयता, यही तात्र है। देव वाला को नहीं बोले हैं?
जो देव मानवीयता अधिमानवीयता में देव मानवीयता है नहीं, जो तात्रे में एक आता है ना कि देव मानवीयता मानवीयता और दिव्य मानवीयता नहीं, अमानवीयता मानवीयता और अतिमानवीयता, ये तात्रे है अभ्यास दर्शन। मतलब ये कई बार ये वाला प्रयोग करते हैं, कई बार ये वाला तो कंफ्यूज हो जाता है, मतलब तात्र कौन सा है। अभ्यास दर्शन में कई बार आया था कि तात्रे में देव मानवीयता वाला, दिव्य मानवीयता और मानवीयता, वही तो वहां पर यदि जागृति के अर्थ में बता रहे हैं तो ये तीन आएगा, यदि मानव के लिए प्रयोग होता है तो अमानवीयता मानवीयता और अतिमानवीयता आएगा, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उसका प्रयोग है ना, ता मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो उसको फिक्स नहीं कर सकता ना, वो ता को कहीं भी लगा देंगे। भैया मूल्यांकन कैसे करते हैं, मूल्यांकन स्वयं कहते ना, स्वयं का मूल्यांकन कर दो गलती अपराध से बचोगे, और मूल्यांकन के ऊपर परिभाषा में अलग से दे रखा है, और हर बुक कंप्लीट होने के बाद भी मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में बताइए। मूल्यांकन शब्द को देखेंगे तो मूल्यों को आकलित करना है ना, ये मूल्यांकन, तो मूल्यों का आकलन कब होगा, जब हमारे अंदर मूल्य है, तो मूल्य है या नहीं है इसको फिर हम आकलित करते हैं, इसका नाम है मूल्यांकन, मूल्यों का आकलन, स्वयं का मूल्यांकन यदि हम करेंगे, यदि हम प्रकृति का मूल्यांकन कर रहे हैं तो प्रकृति के मूल्यों का आकलन कर रहे हैं कि प्रकृति में ये मूल्य है, ये मूल्य है, ये मूल्य है, जीव अवस्था का मूल्यांकन कर, जब हमारे अंदर मूल्य नहीं है, ये मूल्य स्थापित नहीं हुए हैं, ये आधा अधूरा है तो कैसे होगा। तो हमारे अंदर जो सही की स्वीकृति यदि सूचना के रूप में, जैसे स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण व्यवहार पूर्वक जीना, इसको मैं सुन लेता हूँ, सुन के थोड़ा सा सोच लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने व्यवहार को देखूंगा इस रेफरेंस से कि मैं जो कर रहा हूँ वह स्वधन पूर्वक जीना है कि नहीं हुआ, है ना, मेरा जो आचरण है ये स्वनारी स्वपुरुष की सीमा में रहेगा कि नहीं रहेगा। दो चित्रों को मिलाता हूँ, एक जो मैंने पढ़ा है, दूसरा चित्र क्या है जिसको मैं जी रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे ही देहापूर्ण व्यवहार में जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं इसका आकलन। यदि पूछेंगे जीवन क्रिया में कहां कैसे होता है, तो वृत्ति मन का मूल्यांकन करेगा, चित्त वृत्ति का मूल्यांकन करेगा, तो वृत्ति में जो विचार बन रहे हैं वो चित्त के चित्रण के अनुरूप हुए कि नहीं हुआ, ये हमारा मूल्यांकन क्रिया है, ठीक। मन के द्वारा जो व्यवहार हो रहा है वो वृत्ति में स्वीकृत विचार के अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो उस चित्र के अनुसार होगा कि नहीं होगा। ये यदि सामने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, हम क्या बोलेंगे, नहीं वो ठीक नहीं है, असामाजिक कार्य है, क्या आधार हुआ इसका, क्या किया हमने, उसके व्यवहार को हमारे जीवन द्वारा हमने मूल्यांकन किया, तो किसी भी मूल्यांकन के लिए कोई रेफरेंस चाहिए, ठीक, और दो फ्रेम चाहिए, एक क्रिया, दूसरा उसको मूल्यांकन करने वाली एंटिटी। तो जीवन में देखेंगे तो आत्मा बुद्धि का मूल्यांकन बुद्धि, चित्त का मूल्यांकन चित्त, वृत्ति का मन, वृत्ति मन का मूल्यांकन करता है, मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति चित्त को पहचानता है मतलब अनुभव करता है, चित्त बुद्धि को पहचानता है मतलब अनुभव करता है, बुद्धि आत्मा को पहचानता है, ऐसा, ठीक है। पहले क्रिया और दूसरा क्या बोले भैया, पहले क्रिया और दूसरा क्या बोले, इसमें मूल्यांकन के रेफरेंस में बोले, मूल्यांकन के रेफरेंस में बोले ना, उसमें पहले एक क्रिया और दूसरा एक रेफरेंस का क्रिया, दूसरा जो घटना या आचरण हो रहा है वो वस्तु है मूल्यांकन के लिए। जैसे मैं आपका मूल्यांकन कर रहा हूँ तो मैं और आप हो गए, मेरे पास कोई रेफरेंस है उसके आधार पर मूल्यांकन करता है, अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, यानी इसको गुस्सा आता है कम गुस्सा आता है, मतलब गुस्से का कोई रेफरेंस है मेरे पास, आप सही जी रहे हो नहीं जी रहे हो, आप उटपटांग व्यवहार करते हो नहीं करते हो, वैसे ही अपना ही मूल्यांकन करना। तो पर मूल्यांकन भी होता है, स्व मूल्यांकन भी होता है, दोनों होता है। तो ये मूल्यांकन में भैया जैसे दिनचर्या के हिसाब से करते हैं कि मतलब कोई व्यवस्था में कर रहा है तो उसके हिसाब से, हाँ वो भी मूल्यांकन है, दिनचर्या का भी और उसका, सारी चीजों का मूल्यांकन होता है, खाना अच्छा बना बुरा बना है ना, हलवा ठीक बना नहीं बना, बालूशाही मिल पाया नहीं मिल पाया, भ्रम की समीक्षा कैसे है, भ्रम की समीक्षा सही का मूल्यांकन कहां से बोल रहे हैं भाई, मेरा कान, हाँ वो भ्रम की समीक्षा सही का मूल्यांकन, भ्रम की समीक्षा भी तो फिर इसके जैसे ही हो गया, भ्रम की समीक्षा वो सही का मूल्यांकन,
इस तरह का एक होता ना एक श्लोक कह रहे हैं शायद। नहीं समझ में आप क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर बोलिए। ब्रह्म की समीक्षा और सही का मूल्यांकन से ही आगे बढ़ा जाता है। हाँ ठीक है, तो ब्रह्म की समीक्षा वही, तो जब गलती को मूल्यांकन करते हैं उसका नाम समीक्षा दिया है। तो एक दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं ना, समीक्षा एक ही है। जो अभाव है क्योंकि वो मूल्य नहीं है, बहुत प्रिसाइसली देखेंगे तो उसको मूल्यांकन नहीं बोलेंगे, है प्रोसेस मूल्यांकन का, उसमें समीक्षित कर रहे हैं, समीक्षा के अर्थ में वो मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है ना। और जब वस्तु सही के अर्थ में भाव है तब उसको मूल्यांकन कहेंगे, प्रोसेस एक ही है। कंपैरिजन, गलत का कंपैरिजन बराबर इज कॉल्ड समीक्षा, ठीक है ना। फिर मूल्यांकन कर ही नहीं पाएंगे, समीक्षा ही करेंगे। हाँ, समीक्षा ही करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, मूल्यांकन नहीं होता है। नहीं होता ना, जागृति के पहले मूल्यांकन नहीं होता है। अच्छा, तो समीक्षा उन हट वर्ती के अंदर आवेश और चित्त में अभिमान की, चित्त में अभिमान यही कार्य करता है, उसको हम मूल्यांकन मानते हैं, इसीलिए उसकी स्थिरता नहीं रहती। हम आज जो सोचते हैं वो बदल जाता है, अपने बारे में कुछ सोचते हैं बदल जाता है, सामने वाले के बारे में कुछ सोचते हैं बदल जाता है। तो समीक्षा कैसे करते रहे रोज बैठ के? हैं? कैसे समीक्षा करते रहे रोज बैठ के, आधा घंटा बैठ के समीक्षा करें? कभी भी करो, चलते हुए करो, रोज करो, सोने के पहले करो। हर आदमी अपना एक अभ्यास बना सकता है, जैसे आप कुछ पूछते हो उसके साथ साथ आपका एक मूल्यांकन चलते रहता है कि ये जो पूछ रहा है कहाँ से उपज हो रहा है ना। वास्तव में प्रश्न है कि प्रश्न बनाने के लिए प्रश्न बना रहा है, कि हमको तंग करने के लिए प्रश्न बना रहा है, कि मुझे प्रश्न बना करना आता है इसीलिए पूछ रहा है। ये सब मूल्यांकन करता ही रहता हूँ मैं, और लोग भी करते ही रहेंगे। इतने लोग जो सारे क्वेश्चन पूछते हैं इसी सत्र में, सभी लोग एक ही विधि से पूछते हैं, एक ही आशय से पूछते नहीं है। फिर ये भी मूल्यांकन होता है कि ये शब्द के अर्थ को जानना चाहते हैं, कि उसके बारे में कोई दूसरा भाषा बना लिया उसका अर्थ जानना चाहते हैं, या उसका कोई कल्पना बन गया है, या उसके मूल में कोई जिज्ञासा है, ये सारा पूछने का स्तर हो सकता है। फिर पूछने के पीछे नियत, मुझे क्वेश्चन पूछना आता है, मैं दूसरों को दिखाने के लिए पूछ रहा हूँ, प्रबोधक को तंग करने के लिए पूछ रहा हूँ, है ना, समझने के लिए पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजें आ जाती है। ये हर समय चलता है, इसके अलग अलग स्टेज है ना। एक को नाम दिया सतर्कता, उसको बाद हो गया सजगता। तो मूल्यांकन हर मनुष्य हर समय करता ही है, दूसरों का तो करता ही है, व्यवहार का मूल्यांकन करता है, व्यवसाय का मूल्यांकन होता है। तो व्यवहार का और व्यवसाय का मूल्यांकन, यदि दूसरों को व्यवसाय व्यवहार का मूल्यांकन, फिर स्वयं के व्यवसाय व्यवहार का मूल्यांकन, स्वयं के विचारों का मूल्यांकन, स्वयं के समझ का मूल्यांकन, सारा आ जाएगा। समीक्षा बोलेंगे, मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन विधि है वो। जब तक उसमें वस्तु नहीं है वो समीक्षा के अर्थ में होता है। उसमें सही का भी कुछ पक्ष होगा, सारा ही गलत ऐसा नहीं है, पूरा नहीं होगा, तो तब तब वो मूल्यांकन करेगा। भाई समीक्षा का मतलब हर समय मुझे गलती करना है, मतलब मेरे अंदर विश्वास का रेशा भी नहीं है, जबकि ऐसा तो होता नहीं है ना। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर विश्वास का बिल्कुल रेशा नहीं है। जो मूल्यांकन होता है या समीक्षा, तो क्या छोटी का ही बड़ी का करती है कि बड़ी छोटी करती है? बड़ी छोटी का मूल्यांकन बड़ी का ही छोटी का ही करेगी, मतलब किसी भी स्तर में हो, चाहे समझदारी में हो, चाहे विकास की स्थिति में हो, समझदारी में, बेवकूफी में, सब में बड़ी छोटी का करेगी। और समीक्षा स्वयं का होता है या परस्परता में होता है? समीक्षा का मतलब गलतियों का रेखाकरण, मूल्यांकन के फल में यदि गलती दिखता है तो उसका रेखाकरण का नाम है समीक्षा। उठना ही पड़ेगा अभी, तो मैं सोचा था बिना उठे सेकंड सेशन करें, तो फिर एक गद्दी भी ऐसा बना दिया, एक बार बैठ गया तो आदमी उठेगा नहीं।
यहां पर मूल्यांकन को हम लेंगे केवल एक अर्थ में, इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं कंपैरिजन, है ना, या इवैल्यूएशन, ठीक है ना, या चेकिंग, ये समझ में आता है ठीक। क्योंकि मूल्यांकन शब्द का बड़ा अर्थ लेंगे तो फिर मूल्यांकन शब्द का एक्चुअली मतलब होता है मूल्यों को समझना, ठीक है ना, सही को समझना, बट अभी उसके एक पक्ष को ही लेंगे हम, ये चेकिंग वाले पक्ष को लेंगे। काम कर रहा है, दो ही पेन इधर, वहां से लाना है। हाँ एक जो बाप रे तो मोटा है, ये बच्चे रहते हैं ना इसको टुक 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 करते तभी इसका पॉइंट ऐसा हो जाता है। हाँ हाँ वही वही ठीक। बाह्य वस्तुओं का मतलब क्या होगा, मेरा व्यवहार, कार्य, दूसरे का व्यवहार, कार्य, अंदर मान्यता, इच्छा, पूर्व संस्कार, उसका सीमा, मेरी प्रवृत्ति इत्यादि, ठीक है ना। तो इसमें से अब ये जो मूल्यांकन है इसके दो रिजल्ट बनेंगे, एक सही की ओर है उसको सुसंस्कार मानेंगे, एक गलत हुआ उसको समीक्षा बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है बाह्य वस्तुओं का, मेरा अच्छा, ये मूल्यांकन करने के लिए कोई एक आधार चाहिए, बराबर ना, एक रेफरेंस चाहिए। जैसे मैं अनुभव दर्शन पढ़ा रहा हूं तो हमारे साथ में और कोई व्यक्ति है तो हमारा मूल्यांकन करेगा, ये श्री राम ठीक से पढ़ाया कि गलत पढ़ा रहा है कि कुछ भी बोल रहा है, वो कैसे करेंगे, मतलब मेरे किसी व्यवहार का या दूसरे का, है ना, व्यवहार, कार्य, दूसरे का विचार, उसका समझ का वो मूल्यांकन कर रहा है मेरा। उसके लिए उनके पास कोई आधार चाहिए ना, मतलब उनमें जो समझ या मान्यता है उसके आधार पर मेरी समझ या मान्यता का करेंगे। इसमें हम दोनों में से एक का सही होगा, या हो सकता है दोनों का एक कुछ गलत है, या दोनों का सही है, इतना ऑप्शन निकल सकता है, ठीक है। ये जब तक उनका स्थिर नहीं होगा परिवर्तन होता रहेगा। है ट्राई कर सकता है, फेल हो जाएगा, करती है, हर शिष्य उचकता है गुरु के पास, छोटा बच्चा है तो उचकता है, अच्छा ये बताओ वो बताओ, टेस्ट करता है, तुमको ये भी नहीं पता है क्या, वो भी नहीं पता क्या, उसको गुस्सा आता है क्या, थोड़ा उंगली करके देखेगा, टोक के देखेगा, सब करेगा, थोड़ी देर के बाद संतुष्ट हो जाता है, इसको कुछ नहीं होता है, है ना। फिर किसी ने उसको खराब लगेगा, फिर गुरु जी माफ कर दो, है ना। तो, तो क्या है ये, शिष्य गुरु का मूल्यांकन मतलब आकलन करेगा। यदि वास्तव में गुरु गुरु है, गुरु का मतलब फिजिक्स का गुरु, मुझे फिजिक्स पता है, मैंने पीएचडी किया, आप आठवीं में मेरे को टेस्ट करते हो तो क्या निकलेगा यार, कुछ नहीं निकाल पाओगे आप। मैं गलत भी फिजिक्स बोलूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास पीएचडी है। मैं वो गलत फिजिक्स को भी सही साबित कर दूंगा इक्वेशन बना के, जाओ आपको समझ ही नहीं आएगा, आप चक्कर डंडी लगाते रहोगे, ठीक है ना। तो ये जब बाहर हमने देखा दूसरे का, वैसे ही बाह्य वस्तुओं का मूल्यांकन का मतलब क्या है, ये एक प्रकार से व्यवहार से संबंधित चीजों को मैं बता रहा हूं, है ना। ये फिर बाद में फिर प्रकृति और अस्तित्व का भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं,
ये समझने के अर्थ में होगा, मतलब जैसा है वैसे ही उसके मूल्यों को समझना, ये मूल्यांकन का पूरा स्कोप इतने में आएगा। ठीक, जैसे ये जमीन उपजाऊ है नहीं है, ये भी एक मूल्यांकन है, सही भी होता है गलत भी होता है। जमीन है उसके मूल्य को समझना है, तो जमीन का मूल्य का मतलब क्या हुआ, उपजाऊ जमीन है, रेतीला जमीन है, पानी पकड़ता है पानी छोड़ता है, ये सब आदमी करता रहता, पूरा दिन मनुष्य मूल्यांकन करते रहता, वो बच्चा हर समय मूल्यांकन कर रहा माँ का, क्या करना है नहीं करना है, मतलब उसका सेटिंग देख रहा है वो। तो ये वाली प्रक्रिया जीवन में होती रहती है। तो जब अपने व्यवहार अपने या दूसरे के व्यवहार को करते हैं तो क्या होगा, बाह्य वस्तुओं का मतलब ये फिर मन द्वारा प्रकट है। इसका मूल्यांकन करने का मतलब क्या हो गया, वृत्ति द्वारा मन के क्रियाकलापों को जानता है, फिर चित्त द्वारा जानता है, भ्रम स्थिति में यहां तक रुक जाता है, चित्त में मान्यता रहती है। जागृत स्थिति में क्या होगा, या अर्ध जागृति में चिंतन भी होगा और उसके बाद बुद्धि में अवधारणा भी होगा, वृत्ति में न्याय धर्म सत्य रूपी तुलन भी होगा, ठीक है ना, या दूसरा तुलन होगा प्रिय हित लाभ का ना, ये मूल्यांकन का दृष्टि आधार हो जाएगा। जैसे आपको मेरा व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, वो हो सकता है कि मेरा व्यवहार वास्तव में अच्छा नहीं हो, दूसरा हो सकता है कि मेरा व्यवहार ठीक है, आपको जैसा होना है उसके अनुसार नहीं हो रहा है, आप जिसको सही व्यवहार मानते हो, ये ज्यादा बोलता है कम बोलता है, हंस नहीं रहा है ना, अखड़ के उत्तर देता है, ये प्रबोधक, ये सब हमने अपने अपने बनाए हैं पैकेट, किसको कैसा बोलना है कैसा व्यक्त होना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपन बोल सकते हैं कि जो अधिक विकसित इकाई है वो कम विकसित इकाई का मूल्यांकन करती अधिक है, विकसित क्रिया भी जीवन में अधिक कम विकसित इकाई अधिक विकसित का अध्ययन करेगी, हाँ ये बोल सकते हैं, पहचानती है, तो जीवन में भी कम विकसित अधिक विकसित को पहचानता है, वो मूल्यांकन नहीं कर सकता। हमने वो एग्जांपल दिया था, मन मन रसगुल्ला खाता, अध्ययन नहीं उसको पहचानता है, अध्ययन भी समझना ही होता है। जैसे मन ने रसगुल्ला खाया, अब वृत्ति बोलेगा कि मन में जो रसगुल्ला है उसका प्रोटीन पेट में जाके पचेगा कि नहीं पचेगा, ये जानकारी वृत्ति और चित्त के पास है, मन के पास कुछ नहीं है, मन बेवकूफ है, तो खाएगा मजा लेगा बस, उत्तर बाकी ऊपर से आना है, है? वृत्ति हमारी सिर्फ हित के लिए ही सोचती है, मतलब ऊपर की काई जरूरी नहीं है, वृत्ति को भी मजा मारने का मन हो गया, अलाउ कर दिया, चित्त ने भी अलाउ कर दिया तो मजा मारेगा, तभी तो एक आदमी एक पैक के बाद 10 पैक तक जाता है, रुकता कहाँ है, पहले एक पैक से शुरू करता है, फिर मन को मजा आना लगता है ना, फिर वृत्ति बोलता है पैसा खर्चा हो रहा है, मन बोलता है चुप, फिर जाता है, फिर बोलता भाई हर पैक 300 रुपए का है ऐसा मत करो, या 3000 का है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या पी रहे हैं कहाँ पी रहे हैं। बाहर जाते हैं ज्यादा खर्चा हो गया, बोलते हैं यार ज्यादा खा लिया, नहीं खाना था इतना, मैं ज्यादा बोल दिया, उसको ज्यादा डांट दिया, ये सब क्या है, वही है ना, मन में जो आवेश है वो वृत्ति को दबा देता है। तो भ्रमित स्थिति में क्या होता है, वृत्ति में मन को संचालित करने योग्य वस्तु नहीं रहता है या ताकत नहीं रहती, तो शरीर का दबाव मन पर, मन का दबाव वृत्ति का दबाव चित्त पर, यह शरीर मूलक विधि है, या चित्त का कोई मान्यता का प्रभाव, तो जब बड़ी छोटी को करते उसका नाम है प्रभाव, प्रभावित करना, ये सब में मिक्स चलता है। यदि ये मान्यता सही निकली, ये प्रभाव सही निकलेगा, ये गलत निकला ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ये मूल्यांकन प्रक्रिया, इसको ऊपर से जब नीचे आ रहा है ये, इसको बोलते हैं अनुभव, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जब होता है तो दर्शन या मूल्यांकन, दर्शन मतलब देख रहा, देखने का मतलब ये मूल्यांकन करना,
हाँ यदि वही वही तो वही तो अध्ययन का मतलब क्या है, सही दबाव ऊपर को भेजना। तो ऊपर को सही दबाव क्या है, जैसे मन को, मन का दबाव यदि यहां पर पकड़ेंगे, सर्वप्रथम मन का दबाव क्या है, इधर इधर लिखते हैं, खत्म हो गया जगह, इधर ही लिखते हैं, चलो हो गया यहां पर, है ना। तो ये मन, मन का दबाव क्या होगा, इसके ऊपर मन के लिए क्या दबाव है, व्यवस्था का दबाव। व्यवस्था का दबाव क्या है, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण। वो आप मध्य दर्शन पढ़ने के पहले भी संसार में दबाव है ही, बचपन से घर में दबाव रहता है, बेटा उसका मत उठा, वो तुम्हारा नहीं है क्या, दबाव है, ये तुम्हारा पेंसिल नहीं है। एक दिन वो किसी और का वाटर बॉटल ले आता है घर, है ना, वो किसका है, नहीं नहीं ठीक नहीं, तुम उसको वापस दे दो। अब उस पेरेंट पर रहता है, यदि पेरेंट लालच है, अच्छा वाटर बॉटल बढ़िया पिंक वाला मिला, अगले वाला अगले बार ब्लू वाला भी लेकर आ, वो दूसरा तो उसको प्रेरणा दिया, फिर दबाव की जगह उसको प्रोत्साहित कर रहे, कर चोरी। तो जिन घरों में या जिन परंपराओं में चोरी की परंपरा है, वो दबाव करता ही नहीं, उसको प्रेरणा देता है, चोरी करने को भेजता है, जाके चोरी करके आ, जब उसने तुझे मारा नेक्स्ट टाइम तू पीट उसको, बोल नहीं मानेगा तो पिताजी आएंगे मारने के लिए। वो बिल्डिंग से रोते हुए आता, बच्चा पीट दिया आप तो चप्पल से मार उसको नेक्स्ट टाइम, नहीं तो किसी के झुक मत बेटा, है ना, नहीं तो दुनिया में तो दब जाएगा पूरा, फिर मतलब तेरी चलेगी नहीं। तो उल्टा और पर पीड़ा, ठीक। तो जिस परंपरा में, संस्कृति में, सभ्यता में, घर में इसके लिए जो प्रेरणा है, वो गलत चीज यहां से शिफ्ट होकर यहां मान्यता के रूप में हो जाएगा, वो उसकी पर्सनालिटी बन जाएगी। अब वो मानेगा ये सही है, पिटाई करो, ये करो वो करो, चोरी करो, जो भी करो सब सही है। जैसे कल मैं किन्हीं के यहाँ भोजन करने गया था, तो वो कह रहे थे कि उनकी ट्रेडिंग की फैमिली है, मतलब फैमिली परंपरा जो है उनका व्यापार का है। तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये वो था कि ब्याज का धंधा ठीक नहीं है भाई, तुम आदमी से यदि पैसा ले रहे हो तो कुछ सामान दो बदले में। उनके घर में ही चलता रहा उनके परदादा के टाइम से, तो ब्याज के धंधे से उनका परिवार मुक्त रहा, ठीक है। और जो आदमी के लिए ठीक नहीं है उसको नहीं बेचना है, ईटा बेचो, पत्थर बेचो, स्टील बेचो, सीमेंट बेचो, ये घर बनाने लायक चीजें हैं, खाना बेचो, है कहीं से घर लिया इधर बेचा और अपना प्रॉफिट फिक्स किया, उसमें से 1% दान दे दिया। ये मनुष्य एक नियम बना के रखता है घर परिवार परंपरा में, ठीक। बहुत धर्म ग्रंथों में भी है ब्याज देना लेना गलत। जैसे पूरा जो World War II हुआ उसका जो स्टार्टिंग था जर्मनी का आक्रमण, जर्मनी में हिटलर उसमें आना चाह रहे थे, तो द्वेष को फैलाने के लिए क्या बताया हिटलर ने, कि ये जो जूस हैं, यहूदी इसके लोग, ये बदमाश है, इसके कारण हमारा पूरा वो डूब रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्याज का धंधा करते थे। तो यदि आपने उससे ब्याज लिया, वो चौपट कर देगा आपको, है ना। तो ये वातावरण का दबाव, ठीक। वैसे ही वृत्ति में क्या दबाव आएगा, तो ये पूरा लॉ भी इसी के अनुसार बना है। लॉ आपको चोरी करने नहीं देगा, आप सिग्नल तोड़ेंगे तो फाइन लगेगी, है ना। पहले किसी को दिखता नहीं था, आप कैमरा डाल दिया है सिटी में, वो चलान आ जाता है घर। ये सब वातावरण का दबाव है, ये बार बार न्यूज में डालते। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया आपके नोएडा में, वो गुरुग्राम में किधर, वो सुपरटेक के दो टावर है उसको ध्वस्त कर दिया 40-40 फ्लोर का। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट को उसको पता है हर जगह हो रहा है। एक दबाव है कि मतलब वो करो, हाँ एक एग्जांपल हो गया कि भाई यू कैन नॉट टेक द बिल्डिंग लॉ फॉर ग्रांटेड, जबकि उन्होंने वैसे कोई इलीगल काम नहीं किया था। दो बिल्डिंग के बीच में जो जगह थी उसको थोड़ा चिपका दिया पैसा बनाने के लिए लालच में, ठीक ठाक। वही केरल में उड़ा दिया था, वो नदी के वो सी के कोस्ट के बगल में है, तो दो टावर उधर भी गिरा दिया। तो ये सब पूरे वातावरण पूरे सिस्टम को देखेंगे तो जितना भी दंड नीति है, ये सब मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करने के दबाव के अर्थ में ही है। जितना भी दंड है, दंड इस अर्थ में किया जाता है कि सुधार हो, या सुधार के लिए प्रेरणा मिले,
या कम से कम यदि सुधरने योग्य नहीं है तो उपद्रव ना मचाए, अंदर कर दो यार, ये बाहर है तो ऐसे ही करते रहेगा, उसको अंदर ही रखो, सुधार उधार छोड़ दिया, हेडेक से मुक्ति। तो 12 साल के लिए अंदर करते मतलब 12 ही साल से के लिए उससे मुक्ति है, 13वें साल में फिर आ जाएगा है, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, वो लकीर का फकीर हो गया वो, क्योंकि इतने क्राइम के लिए 2 ईयर्स ही है मैक्सिमम पनिशमेंट, 250 रुपए फाइन या 5,000, ऐसा लल्लू फाइन देते हैं 300 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए जुर्माना, मतलब फाइल देते हैं उसको, इतना बड़ा क्राइम क्रिएट किया रहता हो वो सोचता है यार ये अपराध करने में ज्यादा मजा आता है, 10,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है, करते रहो 10,000 रुपए देते रहो, यहां पहुंच जाता आदमी फिर 13वें साल में चोरी करने के लिए। अभी देखिए जितने भी सीरियल वो क्राइम होते हैं स्पेशली अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन, वो बेल पे रहता है, बेल में रहता है, वापस आके करता है, फिर करता है, फिर करता है, फिर गोल करता है। तो यदि उसको रोकना है तो एक ही है, सारा क्राइम के लिए आजीवन, तुम कोई भी दंड करोगे एंटायर लाइफ अंदर, एक ही लॉ फॉर एवरी क्राइम। हाँ, सो देर इज नो ग्रेड ऑफ, तूने पैसा चुराया ना जा अंदर, फिर उसके बाद उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा है ना, उसको लालच दिखाया जाएगा, यदि चोरी नहीं करता 3 टाइम्स तो बाहर आ, सुधर गया, नहीं तो अंदर, अंदर रिफॉर्मेशन का प्रोग्राम चलता रहेगा। बढ़िया, अंदर खाना पीना अच्छा दो, एसी लगाओ, पर अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो फाइन बहुत बड़ा है, आपने उधर सिग्नल तोड़ा तो जान निकल जाएगी, 3 बार तोड़ा तो खत्म हो गए। अब भारत में ऐसा करने वाले थे, पता नहीं क्या हो गया। तो ये सब वातावरण का दबाव है, कुछ दबाव संस्कृति से आता है। क्या दबाव है? सब लोग गरबा डांस कर रहे, तुम भी करो, हमारी बेटी कर रही थी, अभी क्या करेगी वो फ्लैट में खेलने जाती है, सारे बच्चों ने पहना वो शर्ट पैंट पहन के गरबा कर नहीं सकते, तो उसके माँ को कपड़ा लाना पड़ा उसके ऊपर, वो चमकीला, वो सब टांच वांच है, वो फोटो भेजा उन्होंने, ये भी एक दबाव है, संस्कृति भी एक दबाव है। सब बच्चे कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर सर्वाधिक होता है, महिलाओं के ऊपर होता है, पुरुषों के ऊपर होता है, सभ्यता का दबाव। आप किसी विवाह में जा रहे हैं तो ऐसा कपड़ा पहनना ही आपको है ना, इतना आपको देना ही है, या कुछ नहीं देंगे तो कैसा चलेगा। कुछ दबाव ठीक भी रहते हैं है ना। हाँ, तो ये सब आगे जाके चित्त में स्टोर हो जाता है, वो उसकी पर्सनालिटी बन जाती है, उसका वर्ल्ड व्यू बन जाता है, ये साइकिल ऐसा चलता है। ठीक है, ऐसे कॉलेज में बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, तो बड़ा दबाव होता है, नशा करो, ये करो, जुआ खेलो, रात में पिक्चर देखने को चलो, घूमने चलो, ये सब बाहर का दबाव है, बाह्य दबाव है। ठीक, ये वातावरण का दबाव, तो मन में ये ठीक वृत्ति पर जो दबाव है, ऊपर की तरफ यदि देखेंगे तो न्यायपूर्ण व्यवहार का दबाव, ये दर्शन के द्वारा क्या हो रहा है हमारे अंदर, न्याय करो। हम न्याय जानते नहीं है, बट दर्शन बोल दिया न्याय करो, अब हम संकट में पड़ गए। जब भी हम कुछ करने जाते हैं, सामने वाला असंतुष्ट होता है, फिर हम कंफ्यूज हो गए, अब उसने सही किया कि मैंने गलत किया। पहले कम से कम फ्री फ्लो में हम जी रहे थे, वो रुक गया, पहले हमारी चलती थी, मैं जो कर रहा हूं सही है, गया तेल लेने दूसरा वाला, वो कई दिन चलता कई बार नहीं चलता है ना, जैसे विवाह हुआ 4 साल तक झेलते, पर 10वें साल के बाद हेडेक हो जाता है कि भाई इसको कौन झेलते रहे, तब वो दुखी होके आता है, वो कोई इधर इस शिविर में भेज देता है, कोई दूसरे कहीं भी भेज देता है, आर्ट ऑफ लिविंग भेज देगा, सदगुरु के पास भेज देगा, कहीं तो भेज देगा कोई, तो या काउंसलिंग में भेज देगा। तो सुधरने के लिए उसके अंदर मतलब बाहर से वातावरण निर्मित हो जाता है कि मुझे तो बदलना पड़ेगा, मनमानी नहीं चलेगी। वो स्टेज या तो खुद उसको पता चलता है, या धक्के खाकर पता चलता है, या परेशान होकर पता चलता है। तो बहुत सारे लोग जो शिविर को अटेंड करते हैं परेशान होकर आते हैं, कुछ लोग परेशानी के पहले ही आ जाते हैं, कुछ लोग परेशान नहीं रहते हैं, जिज्ञासावश आते हैं, कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं और टपक जाते हैं, है ना। सारे मतलब ऐसे भटक रहा था, कोई जा रहा था साथ में बैठ गए, अभी आ गया ये अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान ब्रह्मानुभूति, मतलब पकड़ लिया, बोले कहाँ आ गया ये। ठीक, तो दबाव तो न्यायपूर्ण व्यवहार का दबाव, मतलब इसके लिए सामाजिक आचरण करना पड़ेगा, आपको सामाजिकता दिखानी पड़ेगी, सामाजिक आचरण का दबाव। ठीक, चित्त पर दबाव किस बात की बनेगी, चित्त का मैं यहां लिखता हूं है ना। तो फर्स्ट दबाव यह है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष, दूसरा दबाव क्या, लिखने के पहले मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, तो लिखते लिखते बोर्ड वो हो जाता है, मैंने ऑक्यूपाई हो गया, रट के आया होता तो ठीक से बोर्ड को सेट करता, इधर ये लिखूंगा उधर वो लिखूंगा, वो लिखते लिखते टू
तीन चित्त में परिवर्तन के लिए अध्ययन प्लस संस्कार का दबाव, ठीक, अध्ययन का दबाव चित्त पे आता है, तो इस प्रकार से दबाव, और यदि सही मान्यता आ जाती है तो प्रभाव। तो अभी भी गलत मान्यता रहते हुए भी चित्त का प्रभाव वृत्ति पर रहता है, ये वृत्ति का रहता ही है। जैसे बाहर से दबाव आता है कि भाई मुझे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, तो जीवन में अपने आप स्वीकृति हो जाता है। आठवीं नौवीं दसवीं आते आते वो पूरा सिस्टम से आ जाता है, अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं बोलता कोई, वो पूरा सिस्टम से पूरा अंदर आ गया हमारे अंदर दबाव। अब वो प्रभाव काम करेगा जीवन में, फिर वो बोलेगा नहीं मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, रात को 2 बजे तक जगूंगा। हम लोग इंजीनियरिंग करते थे तो 1 महीने का छुट्टी मिलता था लास्ट में, आप लोग मत करो यदि पढ़ रहे हो कोई, हम पढ़ने वाला सब पढ़ाई छोड़े हुए लोग हैं, आप पढ़ाई खत्म किए हुए लोग, पढ़ने वाला कोई भी नहीं है इधर, ये सब छोड़े हुए हैं, ये सब खत्म किए हुए ऊपर बैठे वाले ना, नीचे सब छोड़ के बैठे हैं, 1 2 3 4 छोड़ के बैठे हैं, वापस पूर्ण है चल रहा है, ठीक है, मतलब वापस करने का वो है प्लान है, ये सीन तो छोड़ के बैठे हैं जो भी हो, प्राइवेट, प्राइवेट का क्या मतलब होता है, या तो पढ़ाई होता है या नहीं होता है, प्राइवेट का मतलब सस्ते में निकालना, तो वो आ ही जाता है वो स्वीकृति। तो हमारा 1 महीने का होता था, 15 दिन तक हम लोग रात को क्रिकेट खेलते थे पूरे दिन, 15 दिन पहले इंजीनियरिंग का एग्जाम है ना, 15 दिन पहले जाके टेक्स्ट बुक ढूंढते थे किधर है, तो वो टेक्स्ट बुक आता था, फिर वो टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा पढ़ूंगा करते करते और 4 दिन निकल जाता था, फिर 11 दिन बचे, फिर ऐसा लगता था मर जाऊंगा, एग्जाम आ गया अब क्या करें, फिर रात को 2:30 बजे तक जगना, 3 बजे तक जगना, मैं बाल्टी में बर्फ डाला हूं, वो बर्फीले बाल्टी में मुंडी को अंदर करना, उससे नींद उड़ता था, आके पड़ता था, 1.25 घंटे में फिर नींद आती थी, फिर जाके बर्फीला पानी में मुंडी डालना, ऐसा करके 11 दिन निकाला, एग्जाम आया, तो ये फिर प्रभाव होता है बाहर से दबाव आया, फिर फाइनली मन को दबा दे रहा है चित्त, है ना, हम मतलब हम अपने ही मन को अपने ही शरीर को दबा दे रहे हैं, निद्रा को दबा दे रहे हैं, आहार को दबा दे रहे हैं, तब घूमने का मन नहीं करता। एग्जाम के 5 दिन पहले यदि कोई पूछेगा तू शादी करना चाहते हो, बोला भगले पागल है क्या, एग्जाम है कि शादी कहाँ से आ गया यार, जाओ शादी वादी बाद में सोचेंगे, सोचो 5 दिन में फाइनल ईयर एग्जाम है, बोलता शादी का प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव यार एग्जाम है तो बैठेगा नहीं। तो कुल मिलाकर ये प्रभाव दबाव मूल्यांकन समीक्षा, ठीक हो गया, स्थिति में होता है तो दबाव प्रभाव बराबर हो जाते हैं क्या, मतलब थोड़ा तब बेवकूफी होती है, दबाव प्रभाव कुछ बराबर बराबर नहीं होता है, वो यार वो थोड़ी है यार, स्टीम का फनल थोड़ी है कि कुछ प्रेशर वगैरह बैलेंस हो जाएगा, वो भौतिक जगत में जीवन में बराबर बराबर कुछ नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, उसी का नाम है बेवकूफी। बेवकूफी का मतलब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, अस्पष्टता बराबर बेवकूफी, बराबर निर्णय लेने की अक्षमता, निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है, निर्णय नहीं ले पाना बेवकूफी है, क्षमता ही नहीं है, क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि स्पष्टता ही नहीं है, अस्पष्टता बराबर व्यस्तता बराबर निर्णय लेने की अक्षमता, ये दबाव प्रभाव, जैसे इससे शादी करूं कि उससे शादी करूं, वो फिर एक्सेल शीट बनाता है, ये इसमें अच्छा है इसमें अच्छा है, फिर वेटेड एवरेज करके एक स्वॉट एनालिसिस करेगा, नहीं उससे भी नहीं हो पाता है, वो फाइनली कूदना ही पड़ता है, चलो यार कर लो, 2 प्रस्ताव आगे विवाह के लिए, इधर जाऊं कि उधर जाऊं समझ में नहीं आता है, ये दबाव और प्रभाव जो है, दबाव होगा फिर दबाव दबाव, अभी आपको बहुत टाइम है सब दबाव, पहले कुछ काम वाम कर लो उसके बाद ये सब शादी का दबाव आएगा, अभी तो नहीं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं उसका दबाव में होगा, अभी आपके पास कौन सा शादी का विचार है, पहले काम करना पड़ेगा उसके बाद बात करेंगे कि दबाव है कि प्रभाव है,
हाँ जी, ये दोनों जो है चित्त स्तर पर ही होता है, ऊपर बुद्धि में गया तो संकल्प या बोध हुआ, तो वहां तो सही चीजें ही जाती हैं। अभी जितना भी एग्जांपल है ये बुद्धि बुद्धि तक कुछ नहीं जाता, अभी जितना हमने एग्जांपल, ये कोई बुद्धि नहीं, नहीं ये दबाव प्रभाव जो बोल रहे थे आप, दबाव होता है बुद्धि, चित्त का दबाव जाता है बुद्धि पर, बुद्धि तक जाता है, आगे के स्टेज में जाता है, चित्त का दबाव बुद्धि पर रहता है अहंकार की स्थिति में, अहंकार अल्प विकसित और अर्ध विकसित के कॉम्बिनेशन में यदि आगे बढ़ेंगे, हाँ बुद्धि का दबाव आत्मा पर नहीं पड़ पाता है क्योंकि आत्मा मध्यस्थ है ना, हाँ आत्मा मध्यस्थ है, आत्मा मध्यस्थ है, बुद्धि का दबाव चित्त पर, चित्त का दबाव बुद्धि, मतलब बुद्धि का दबाव आत्मा पर नहीं हो पाता है, आत्मा का भी प्रभाव रहता है भ्रमित स्थिति में भी। हाँ तो भैया इन्हें निष्कर्ष कहेंगे क्या हम, जैसे कि मूल्यांकन है समीक्षा जो भी हुआ, ये निष्कर्ष है, ये एक निष्कर्ष है, हाँ कोई भी मूल्यांकन एक निष्कर्ष है, ठीक है ठीक है, जो हमने निकाला सही है गलत है ये नहीं मालूम है ना, वही उसका फिर कोई प्रमाण होगा, डिपेंड कि किस चीज पे निष्कर्ष निकाल रहे, भौतिक जगत पे निकाल रहे, रेफरेंस बुक में देख लो, प्रयोग प्रमाण करो, व्यवहार के बारे में निष्कर्ष है तो उसकी सार्वभौमिकता को चेक करो, है ना, ये मित्र संबंध है मैंने निष्कर्ष कर लिया, जीकर भी देखना पड़ेगा ना, ऐसे रहने से मित्र संबंध टिकता है कि नहीं, मैं मित्र संबंध को मान लेता हूँ, मेरे से जो छोटे हैं उनको थोड़ा सा दबाऊंगा, है ना, उनको ज्ञान भी दूंगा, ये मित्रता है, मतलब भाषा के रूप में भले ही ऐसा करता हूं, करके देखता हूं वो रिबाउंड होता है, नहीं चलता है, मैं एक निष्कर्ष निकाल लेता हूं, बिना कमाए ही जिंदगी जीना है, तुम्हारा तो निष्कर्ष हो गया, करके देखो फंस जाओगे, मेहनत तो करना पड़ेगा, पेट भरना, मेहनत करना पड़ेगा, फोकट का कुछ आता नहीं, जिम्मेदारी रहती है, बिल्कुल जिम्मेदारी अलग है, वो व्यवहार के निष्कर्ष है, उनका देखभाल करना है नहीं देखभाल करना है, निष्कर्ष का मतलब एक कंक्लूजन, एक बड़े असेसमेंट के बाद हमने कोई व्यू बनाया, ये निष्कर्ष है, जैसे आप यहाँ 1.5 वर्ष रहे, ये अभ्युदय संस्थान ऐसा है, ये एक निष्कर्ष है, एक व्यू बना आपका आफ्टर लॉट ऑफ असेसमेंट, उस समय जो चीजें मैं समझ पाया देख पाया व्यू उतने का ही बनेगा, निष्कर्ष उतने का निकलेगा, उतने का, उसमें फिर आपकी जो दृष्टि है वही आपका निष्कर्ष को प्रभावित करेगा, आपकी दृष्टि और विशाल होती है उसके अनुसार निष्कर्ष पुनः बदलेंगे, विराट जो बोले परमाणु में विराट अपने आप में, वैसे ही ये पेज नंबर 22 का लास्ट पैराग्राफ है, सही निष्कर्ष तक, एक सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए भी कोई विधि है क्या, या अध्ययन यही सब अध्यन सही का सूचना आना, हाँ स्थाई फाइनली जिन चीजों को हम के साथ हम जी रहे हैं, जिन चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिन वस्तुओं का वास्तविकताओं का, उनका वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करना, वो फिर हमारे सही मूल्यांकन के लिए जगह बनाता है, ठीक है ना। हाँ जी माइक, समीक्षा करें उसमें भी अवमूल्य निर्मूल्य ने सब होगा ना, होगा ना, मतलब मूल्यांकन ही है दोनों, मूल्यांकन का रिजल्ट अवमूल्यन निर्मूल्यन सही मूल्यन तीनों ही हो सकता है, वो लिखना तो लिख देता हूं, ये जो मूल्यांकन किया अधि या अवमूल्यन, निर्मूल्यन का मतलब मूल्यांकन करना ही नहीं है ना, इसलिए निर्मूल्यन नहीं लिख रहा हूं, मूल्यांकन दूसरा है, करना या नहीं करना, निर्मूल्यन देखा ही नहीं उस तरफ, जैसे मानव में जीवन का निर्मूल्यन हो रहा है क्योंकि जीवन की ओर हम देख ही नहीं रहे हैं, है ना, या व्यवसाय का निर्मूल्यन किया, व्यवसाय को हम सोच ही नहीं रहे, ठीक है, ऐसा आयाम या पहलू को नहीं देख रहे, उसका निर्मूल्यन कर रहे हैं अपन, इग्नोरिंग इज निर्मूल्यन, ओवर इवैल्यूएशन अधिमूल्यन, अंडर इवैल्यूएशन अवमूल्यन, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि या तो दोनों में से एक ही होगा, कई जगह वो बैलेंस होगा, हल्का सा अधिमूल्यन दोष उसमें होगा, एक ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है बहुत वो है, वास्ट और डायनेमिक है, उसमें बहुत उसको एक चार्ट में या ग्राफ में गिरफ्त करना, ये सब ब्रॉड वो है, आप करने जाएंगे सब बहुत सारी चीजें उसमें मिलेंगी, एक्सेल शीट में आता नहीं है मानव, कभी आपने बताया कभी हम मूल्यांकन करते ही नहीं है, या तो करना है नहीं करना है,
तो जब नहीं करने होता मूल्यांकन तो उसके पीछे क्या लेके बैठे होते हैं हम जनरली? कुछ नहीं होता, उसके प्रति अनभिज्ञ रहता, हमको पता ही नहीं है कि उसको मूल्यांकन करना है, वो वस्तु हमारे रेंज में ही नहीं है ना, कैसा करेंगे, उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे अभी जैसे मान लेते हैं कोई बहुत बिजी है बिजनेस में काम कर रहा है, उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको कोई वो बड़ा हो रहा है बस बच्चा है उसके साथ खेलता है, बट उसका अध्ययन अध्ययन कराने के मतलब उसके साथ समय ही नहीं देता ये, है ना। मशरूम जैसा बच्चा बड़ा बड़ा हो रहा है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा होता ही है। मशरूम अपने आप उगता है ना, हो रहा है कहीं कोई मतलब नहीं उससे। अवमूल्यन या निर्मूल्यन, बच्चे का अवमूल्यन, जूता पॉलिश करो, खाना ले क्यों नहीं लिया, तमाचा मारा, अधिमूल्यन। ये 22 का पढ़ो लास्ट पैराग्राफ जो क्लियर करना है, हो गया ये जी, वापस आ जाओ मैं सिंहासन में। समाधान एवं अनुभव योग क्षमता पर्यंत जागृति भावी है, संवेदनशीलता सज्ञानिता पूर्वक ही नियंत्रित होती है, यह कम प्रत्यावर्तन एवं परावर्तन में सामरस्यता परंतु श्रृंखलाबद्ध पद्धति से होता रहेगा, परावर्तन प्रक्रिया से ही प्रतिभा की अभिव्यक्ति। और 23 में दिया कंटिन्यू, मानव में मानवीयता एवं अतिमानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है, इन्हीं क्रिया समानता द्वारा वांछित का लक्ष्य का तथा लक्ष्य का तथा कार्यक्रम व पद्धति का प्रसारण होना भी भावी है, इसी से अन्य अप्रत्यावर्तित ज्ञानात्माओं की अपने में प्रत्यावर्तन योग व्यंजना संपन्न होना प्रत्यक्ष है, प्रत्यावर्तन पूर्वक प्राप्त व्यंजना जागृति के लिए गुणात्मक गति है। और उसके नीचे का पैराग्राफ है, गुणात्मक व्यंजना से सुबोध, सुबोध सुसंस्कार, सुसंस्कार से गुणात्मक संवेदना अर्थात संज्ञानिता पूर्वक संवेदना नियंत्रित रहना, गुणात्मक संवेदना से सत्य संकल्प तथा सत्य संकल्प से गुणात्मक व्यंजनाओं की निरंतरता है। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है। समाधान एवं अनुभव योग्य क्षमता पर्यंत जागृति भावी है, समाधान एवं अनुभव योग्य क्षमता, समाधान का मतलब बोध हो जाना, अनुभव का मतलब आत्मा का प्रत्यावर्तन, पर्यंत जागृति भावी है, मतलब जागृति का मतलब क्या है, किसी चीज का पता चलना ना, जैसे इसीलिए इस अवस्था को जागृत अवस्था बोलते हैं, जागृत अवस्था में संसार दिखता है, स्वप्न अवस्था में नहीं दिखता है ना, इसीलिए इसको जागृत कह रहे हैं। तो जागृति का मतलब पता चलना, स्पष्टता, मतलब स्पष्टता की आवश्यकता, समाधान तक तो रहता ही है, उसके बाद कुछ स्पष्टता बच जाती है जो अनुभव के लिए है। तो पहले समाधान होगा उसके बाद अनुभव होगा, उसके बाद अनुभव ही पूर्ण समाधान है, तो पहले समाधान होता है। तो सर्वाधिक सर्वप्रथम समाधान क्या है, इस पुस्तक में क्या लिखा है, इस पुस्तक में कितने पेज है, अध्ययन का मतलब क्या है, मैं आगे क्या करूं, इसके बारे में कुछ स्पष्टता, फिर आगे की स्पष्टता, फिर आगे ऐसे करते 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 चीजें स्पष्ट होती जाएंगी, एक समय में जाके वो स्थिर हो जाएगा, उसका नाम है समाधान, उसके बाद अनुभव। संवेदनशीलता संज्ञानता पूर्वक ही नियंत्रित होती है, संवेदनशीलता का मतलब ये मन वृत्ति चित्त पर शरीर मूलक जो प्रभाव है, इसको नाम दिया है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता को सेंसिटिविटी के अर्थ में भी दिया है इसमें मानव व्यवहार दर्शन में, मतलब दूसरों के सुख और दुख के प्रति हमारे में संवेदनशील होना, ठीक है ना। तो ये जो पांच इंद्रियां हमारे इसी को सेंसेस बोलते हैं, तो इसीलिए सेंसेस संवेदना, तो इससे संवेदनशीलता, मतलब ये मन वृत्ति चित्त का या खासकर मन का संवेदनाओं के दबाव से क्रिया रहते हैं ना, ये कब नियंत्रित होगा, ज्ञान पूर्वक ही होता है, इसलिए दबाव पूर्वक होता नहीं। कुछ खाना पसंद है, जब तक आप चोरी करके नहीं खा रहे हो, मतलब ये नहीं कह रहे कि उसको आप प्रैक्टिस करो कि उसको छोड़ दो, ठीक है, आपको अच्छा लगता है खाओ, जब तक आपका हित अहित नहीं होता है खाओ, जब तक आपका घर बर्बाद नहीं हो रहा है खाओ, जब तक चोरी नहीं कर रहे खाओ, मतलब घर बेच के समोसा पकौड़ी खा रहा है वो गड़बड़ है, ठीक है, ठीक। तो संज्ञानिता पूर्वक, तो संज्ञानिता का मतलब समझ, यह क्रम प्रत्यावर्तन एवं परावर्तन में सामरस्यता पर्यंत श्रृंखलाबद्ध पद्धति से होता रहेगा। क्या क्रम, ये जो समाधान एवं अनुभव के लिए जो जागृति है, इसमें प्रत्यावर्तन से परावर्तन, परावर्तन से प्रत्यावर्तन, ये करते 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 इनमें सामरस्यता पाना, इसी का नाम है समाधान। तो
आस्वादन और चयन में, तुलन और विश्लेषण में, तुलन विश्लेषण और आस्वादन चयन में है ना, तुलन विश्लेषण आस्वादन चयन पूर्वक चित्रण, फिर चिंतन चित्रण पूर्वक तुलन विश्लेषण आस्वादन चयन, ऐसे श्रृंखलाबद्ध, ये श्रृंखला एक से एक जुड़ी हुई, इसमें सामरसता, इसमें हार्मनी होना, मतलब जैसे हमारा इच्छा हुआ वैसे ही विचार हो रहा है, जैसे विचार हो रहा है वैसे ही आस्वादन और है ना चयन हो रहा है। परावर्तन प्रक्रिया से ही प्रतिभा की अभिव्यक्ति मानव में अमानवीयता एवं अति मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष। तो हमारे में जो प्रतिभा है, समझ है, वो कैसे व्यक्त होगा? परावर्तन पूर्वक होगा। जैसे आपको कोई वस्तु पता है तो कैसे व्यक्त होगा? आप उसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, उसके जैसे जिएंगे, उससे आपका प्रतिभा का पता चलता है। जैसे मैं बोर्ड पे ये सब लिख रहा हूँ, ये सब क्या है? ये परावर्तन है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये परावर्तन है। आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, ये सारा परावर्तन है। इससे आपको क्या अनुमान बनता है? ये कितना पढ़ा है, कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, ना कितनी इसकी स्पष्टता है, कितनी इसकी स्पष्टता नहीं है, वो सारा प्रतिभा वाले पक्ष में आ जाएगा। अंततः प्रतिभा का मतलब है कि बुद्धि में स्वीकृति, उसके पहले उसका भासाभास, ये सारी चीजें रहेगी। ठीक, इन्हीं इन्हीं का मतलब परावर्तन क्रिया संपन्नता द्वारा वांछित का लक्ष्य का तथा कार्यक्रम व पद्धति का प्रसारण होना भी भावी है। वांछित का मतलब क्या है? मानवीयता, जागृति, ये सब वांछित, जो हमारे लिए इच्छित है, जो हमारी इच्छा है, मूल इच्छा है, इसका नाम है वांछित। लक्ष्य का पुनः जागृति तथा कार्यक्रम के पद्धति व प्रसारण का भी होना भावी है, मतलब ये सब साथ में होता रहेगा। ये सब क्यों लिखे? देखिए, परंपरा में ये था कि अनुभव हो गया, फिर सब गोल हो गया, खत्म हो गया, नमस्ते टाटा। ये कह रहे हैं कि ये सब होते हुए समझना, समझते हुए ये सब प्रकट भी करना, दोनों होता रहेगा। इसी के अन्य अप्रत्यावर्तित ज्ञानात्माओं की अपने में प्रत्यावर्तन योग्य क्षमता संपन्न होना प्रत्यक्ष है। तो अन्य ज्ञानात्मा मतलब एक को यदि समझ में आया तो दूसरे में वो जो ट्रांसफर होता है इसी क्रम से होता है, प्रत्यावर्तन परावर्तन पूर्वक ही होता है। केवल प्रत्यावर्तन होता तो ट्रांसफर होने की संभावना नहीं थी। गुणात्मक व्यंजना से सुबोध, सुबोध का मतलब क्या है? अच्छा बोध, सुबोध, सुसंस्कार, गुड बोध, गुड बोध का मतलब पूर्ण बोध, सबो सुबोध, यू कैन राइट पूर्ण बोध, है ना। पूर्ण बोध से सुसंस्कार, सुसंस्कार की निरंतरता, सुसंस्कार की निरंतरता से गुणात्मक संवेदना नियंत्रित, है ना, गुणात्मक संवेदना से सत्य संकल्प तथा सत्य संकल्प से गुणात्मक व्यंजनाओं की निरंतरता है। व्यंजन की तो बात हो गई थी, है ना, समझ की, तो ये गुणात्मक समझ की निरंतरता इस विधि से होती है। उसी में 23 में भैया वो नीचे दिया ना, संकेत ग्रहण क्रिया से लेकर के नीचे के लिए सार्वभौमिकता है, मतलब तो दो पैराग्राफ कंटिन्यू, थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। संकेत ग्रहण प्रक्रियाबद्ध ज्ञान, ये सब भाषा, एक्चुअली मुझे लगता है मीनिंग हमको क्लियर है काफी, जितना या मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, संकेत ग्रहण प्रक्रियाबद्ध ज्ञान प्राप्य को पाने, उसे सुरक्षित रखने के कार्यक्रम में अभिव्यक्त है। अभी है ना, प्राप्य को पाने मतलब संबंध हो गया, भौतिक वस्तुएं हो गई, ये सब। मैं उसके नीचे वाला पूछ रहा था, ऊपर वाले पर नीचे। संकेत ग्रहण क्रिया की अनुमान आरोपण तथा हाँ। अनुमान अंकुर भी है, जो संकल्प इच्छा विचार व आशा है ना। तो जो भी हम संकेत लेते हैं, अनुमान आरोपण है ना, अनुमान को उसके ऊपर आरोपित करते हैं कि ये मेरा अनुमान है, ये मानव है, ये पत्नी है, ये बच्चा है, ये भाई है, ये मित्र है, ना ये गधा घोड़ा भालू है, मतलब जीव अवस्था है, इसको हम कह रहे हैं अनुमान आरोपण। तथा आगे के लिए अनुमान का को अंकुरित भी करता है, आगे की अनुमान उससे बनती है, एक अनुमान बनता है उससे आगे का अनुमान उपजता है, फिर एक उपजता है। ये किसमें होता है? संकल्प इच्छा विचार एवं आशा में होता है जीवन। तो किस प्रोसेस से हम उसका तक पहुंचते हैं उसको बता रहे हैं भाषा के द्वारा, कि एक चक्रीय क्रम है अनुमानों के बढ़ने का। उसके नीचे वाला
पांचों इंद्रियों द्वारा रसों की व्यंजना मन पर, व्यंजना मतलब मिलना है ना, पूरा रस जैसे आपने भोजन खाया तो पूरा रसों की व्यंजना मन पर आता, क्या क्या आया, ओ वापस गाजर गाजर के हलवा में जाते हैं तो उसका हीट आया है ना, मतलब कितना गर्म है, उसका मिठास आया, उसमें और जितने भी स्वाद है वो भी आया, उसका जो टेक्सचर है वो भी आता है, ठीक है ना, ये सारे मिलके एक अनुभव बनता है गाजर के हलवा का। बहुत सारे फैक्टर है, एक तो हलवे में पांच छह चीजें डली हैं, वो मिश्रित होके कुछ बना, वो फिर गर्मी मैंने उसमें जो पीसेस हैं वो सारा मिलके रसों की व्यंजना मन पर होती है ना, पांचों इंद्रियों द्वारा रसों की व्यंजना। इसमें केवल मैंने रस इंद्रिय का उदाहरण लिया है, बट बाबा की पांच इंद्रियों को मिला के या एक अलग से भी आप उसको वो कर सकते हैं, संयुक्त रूप से पकड़ता है। इनका संयुक्त रूप या मिलित सम्मिलित रूप, जैसे एक नाट्य सभा में जाते हैं या एक गायन की सभा में जाते हैं तो एक पूरा एक हॉल होता है, उसमें लाइट होती है, उसमें एक आदमी गा रहा है, उसका कपड़ा, बाकी के लोग, वो स्वर ताल है ना, ये सारा होके फिर मन पे व्यंजित होता है, तो हम बोलते हैं ये बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ, लाइव सुना मैंने। उसी को हम रिकॉर्ड करके टेप रिकॉर्डर में सुन लेते तो वो प्रभाव नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस नहीं होती है, वो अलग हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास में जीवन का भी रोल आ जाता है, ऑनलाइन में क्या है, जीवन का रोल नहीं आ रहा है। जैसे ये सामने बैठा है, इनको मैंने अभी डांटा है ना, और ऑनलाइन क्लास में इनको डांटा हूं और उसका रिकॉर्डिंग कोई देखता है, दोनों में फर्क होगा कि नहीं, ये अच्छा बोला, यहाँ पर जीवन का भी फोर्स है, वो ऑनलाइन में जीवन का फोर्स नहीं रहता है, वो आपको फिर इमेजिन करना पड़ता है, केवल डेटा जा रहा है उसमें ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना। पांचों इंद्रियों द्वारा रसों की व्यंजना मन पर, इंद्रिय समूह तथा मन के द्वारा तात्विक व्यंजना वृत्ति पर, उसकी तात्विकता की व्यंजना वृत्ति पर जाती है, ठीक है ना, वो वस्तु के गुण और ये सब हम वृत्ति द्वारा समझते हैं। इंद्रिय मन तथा वृत्ति के द्वारा भावों मौलिकताओं की व्यंजना चित्त पर, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो चित्त में आता है। एक आदमी को हम देखते हैं, उस आदमी का चित्र मन पर आता है, उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में सोचते विचार, फिर इस टाइप का आदमी, इसका एक आकलन होता है, उसका एक निष्कर्ष होता है, ये चित्त में होता है। तथा इंद्रिय मन वृत्ति और चित्त के द्वारा स्थितिवत्ता एवं सत्यवत्ता की व्यंजना बुद्धि पर। स्थितिवत्ता का मतलब क्या है, स्थिति को वहन करने वाला, तो स्थितिवत्ता यहां पर स्थितिवत्ता क्या करेंगे, रूप गुण स्वभाव धर्म, मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति जैसा है वैसे ही उसका व्यंजना बुद्धि पर होता है। तो ये रसों की व्यंजना वगैरह बुद्धि तक आता नहीं, गुलाब जामुन बुद्धि तक जाता नहीं, झगड़ा बुद्धि तक जाता नहीं, ठीक है ना। एवं सत्यवत्ता, सत्य मतलब व्यापक वस्तु की व्यंजना बुद्धि पर, व्यापक वस्तु में सत्य बोध होता है, पर उनके जागृति और अभ्यास के स्तर के अनुरूप पाई जाती है। वो पूरा मानव को एक पैराग्राफ में डाल दिया है, पूरा मानव जाति इसमें आ गया है ना। तो मन का कुछ अभ्यास है, वृत्ति का कुछ अभ्यास है, चित्त की कोई अभ्यास है, बुद्धि की कोई अभ्यास है, तो सभी मानवों में मन वृत्ति चित्त बुद्धि के अभ्यास के स्तर भिन्न भिन्न है। इसीलिए किसी में इंद्रिय संवेदना अधिक है, किसी में तात्विक संवेदना, किसी तात्विक व्यंजना, किसी में मौलिकता की व्यंजना। ये सत्यवत्ता है, इसका व्यंजना बुद्धि में कैसे होते हैं, व्यापक का कैसे होता, मतलब होता है कैसे होते हैं, वो तो अनुभव में होगा नहीं, सत्य बोध होता है उसके बाद ही अनुभव होता है, पहले व्यापक वस्तु का बोध होगा उसके बाद ही व्यापक का अनुभव होगा, बोध नहीं होने के पहले अनुभव नहीं होगा, बुद्धि में व्यापक वस्तु का बोध भी होता है। भैया व्यंजन है तो मूल्य का होता है ना, मूल्य ग्रहण, मूल्य ग्रहण क्षमता बराबर व्यंजना, वो मूल्य प्रकृति का होता है, व्यापक वस्तु का मूल्य उसका होना ही है, उसमें अलग से कोई मूल्य नहीं है, रूप भी नहीं है, तो उसके होने की स्वीकृति बुद्धि में होती है। हाँ भाई, नहीं
नहीं, रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में साक्षात्कार में रूप और गुण चित्रण में रहता है, स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है, वो कंबाइंड एक्सपीरियंस को रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में साक्षात्कार बोला है। चित्त तक ही है, वो ऊपर नहीं जाता, इंद्रियों वाला पार्ट और संवेदना जो प्रकृति है उसका एंट्री, मैंने क्या बोलेंगे उसको, क्रियाकलाप, ये सब चित्रण तक ही है, साक्षात्कार होता नहीं। मालिकताओं की व्यंजना चित्त पर, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, मालिकताओं की व्यंजना चित्त पर ये कैसे होता है? भावों की ये गुण स्वभाव धर्म ये सब समझ में जो आना है, ये रूप पर, हाँ ये सब उसमें चित्त पे रोक ले। 23 तक हो गया, लास्ट वाला देख ले, थोड़ा प्रत्येक संकेत वाला, ये वाला पैराग्राफ एक बार थोड़ा सा बता देंगे। प्रत्येक संकेत के पूर्व अधिष्ठित आशा विचार इच्छा और संकल्प को वे संकेत पुनराकार प्रदान करते हैं जो वर्तमान में प्रत्यक्ष है। तो प्रत्येक संकेत जो बाहर से आ रहा है उसके पूर्व में आशा विचार इच्छा में कुछ रहते ही है तथा या संकल्प में भी हो सकता है, वो आने वाले संकेत को वापस एक आकृति देता है। मतलब कुल मिलाकर बाहर से जो इनपुट आ रहा है आपके अंदर आके प्रोसेस होके वो मॉडिफाई हो जा रहा है, ये लर्निंग प्रोसेस को बता रहे हैं। मनुष्य में एक्चुअली ऑपरेशन कैसा हो रहा है, हमारे अंदर पहले से कोई बनी हुई चीज है, बाहर से कोई चीज है उसके साथ ब्लेंड होकर कोई एक चीज बनती है, उसको बता रहे हैं। उसको पुनराकार, पहले से अधिष्ठित को पहले से जो स्थित है, पुनराकार मतलब उसकी एक नई आकार दे देती है जो वर्तमान में प्रत्यक्ष है। फलतः मानव में अनेक वैविध्यता, कुशलता, निपुणता, कला, विचार और आशा के रूप में प्रकट होती है, साथ ही पांडित्य में मेसे के लिए ही सार्वभौमता है। मानव में जो भी भेद है इसके कारण है, बिकॉज पहले से आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, नई सी नई कोई संकेत आते हैं वो सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर देता है, मतलब जो संकेत है उसको मॉडिफाई कर दे रहा है हर आदमी में, इसीलिए यूनिकनेस भी है। नहीं तो ये भी आएगा ना कि भाई जीवन सब में समान है तो सबको एक ही जैसे कंफ्यूज होना था, एक ही जैसे क्षमता तो चाहिए थी। तो डायनामिज्म जो भेद है मनुष्य में, मानव में इतना सारा हूं इसी के कारण है, इसीलिए समझने की क्षमता या गति में भी भेद है। सत्यबोध ऑनवर्ड्स बराबरी है, अप टू सत्यबोध भेद रहता है, अप टू सत्यबोध, जस्ट बिफोर सत्यबोध, उसके बाद भी कल्पनाशीलता प्रकट होने की विधि में भेद होगा ही। हाँ, दो आदमी समझ गया तो न, 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 एक वस्तु को एक ही जैसे थोड़ी, एक ही जैसे थोड़ी व्यक्त करेगा वो, तो भोजन में काम, हाँ बेसिक प्रयोजन और बेसिक मूल्य चीजें एक ही स्थित, आचरण के मूल बिंदु एक ही होंगे। हो गया 23 तक, नमस्ते करें इसको, चलिए कल पढ़ते हैं।